Good morning, students. Good morning, everyone. This is Dr. Anurag Singh. I welcome you on board to the present session of Daily Current Affairs Express on India's largest online learning platform, that is Unacademy. Unacademy के YouTube channel Let's Crack UPSC CSE में आप सभी लोगों का special स्वागत आज के current affairs के session में. Before proceeding ahead, let me know, students, if I'm audible and visible, so that we may proceed ahead in today's session. Yes, good morning. Namaskar, Jai Hind, आप सभी लोगों को. चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. देखते हैं आज क्या क्या न्यूज है और आज एक एडिटोरियल देखने वाले हैं हम. COVID-19 के ऊपर ही एडिटोरियल आया है. ओके, एंड द रोल ऑफ साइंस, वी आर गोइंग टू टैकल दैट एडिटोरियल. यस, गुड मॉर्निंग. तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का सेशन. आज बहुत ज्यादा न्यूज है. आज एक तरफ इंडिया के ऑयल डिप्लोमेसी के ऊपर न्यूज है. वी हैव ऑल्सो नारकोंडम हॉर्नबिल टुडे इन द न्यूज. ओके, एक बर्ड, साथ में पीएम कुसुम स्कीम, ये भी हमें देखना है आज. और इसके अलावा कुछ वैल्यू एडिशन पॉइंट्स ईरान को लेकर, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर. ओवरऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन इज गोइंग टू कम अप. एंड यस, मिलेट्स के ऊपर डिस्कशन है. चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. दिस इज डॉक्टर अनुराग, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड फॉर द पास्ट वन डिकेड इन ऑफलाइन मेंटरिंग and past 8 months in online mentoring upon the Unacademy platform. UPSC mein mera experience, students, just a minute. UPSC mein mera experience, students, do bar personality test dene ka hai, and I have also a, just a minute. It's not coming up. Suppose there is some problem in the 2 minutes. तो यूपीएससी में मेरा एक्सपीरियंस दो बार पर्सनैलिटी टेस्ट देने का है. एंड आई हैव आल्सो इन 4 अटेम्प्ट्स आई हैव गिवन द 4 मेंस एंड ट्वाइस आई हैव अपीयर्ड फॉर, यस नाउ इट्स ओके, ट्वाइस आई हैव अपीयर्ड फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट. इन 2007 आई मिस्ड बाय 2 मार्क्स द फाइनल सिलेक्शन. आई वाज देयर इन द रिजर्व लिस्ट ऑफ यूपीएससी. आई हैव आल्सो वर्कड एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स इन द स्टेट सर्विसेज बिफोर रिजाइनिंग. मींस आई वर्कड देयर फॉर 3 इयर्स बिफोर रिजाइनिंग फ्रॉम द सर्विस टू परस्यू माय पैशन ऑफ मेंटरिंग द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जो सफलतापूर्वक मैं एक डिकेड से कर रहा हूं. टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी _ अनुराग _ सिंह, जुड़ जाइए फॉर दिस सेशन पीडीएफ. यस, और ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं एडवाइस करूंगा, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सब्सक्राइब अपॉन द प्लस प्लेटफॉर्म टू गेट डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, मॉक टेस्ट एंड क्विजेस फ्रॉम टॉप मोस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री. यू कैन सी द टॉप एजुकेटर्स टीचिंग अपॉन द प्लस प्लेटफॉर्म, comprehensive courses upon the plus platform, and yes, mock test and quizzes also, unlimited access to all these things you are going to get jab tak aap subscribe kiye rehte hain. And mere bhi 2 courses hain, polity aur ek course hai international relations pe, and many more courses are going to come in the next 4 to 5 months upon the plus platform. Yes, aur aap dekhiye plus platform ke alawa agar aapko ek personal mentor chahiye, personal guidance chahiye, टेस्ट एनालिसिस चाहिए, एक्सपर्ट गाइडलाइंस चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए एंड स्टडी प्लानर चाहिए, यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक मेंटरशिप प्लान, जिसमें आपको एक पर्सनल कोच असाइन किए जाएंगे. यू विल हैव डेली डाउट क्लैरिफिकेशन सेशन, यू विल हैव डेली मेंटरिंग सेशंस, दैट्स इट. और प्लस और आइकॉनिक का आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन. यू कैन सी इट हियर द अमाउंट, एंड देयर इज 10% ऑफ अपॉन द अमाउंट इफ यू यूज माई नेम एज अ डिस्काउंट कोड. अनुराग आप यूज कीजिए द डिस्काउंट कोड, यू आर गोइंग टू गेट अ 10% ऑफ इन ईदर ऑफ द केसेस. आप आइकनिक में देख लीजिए, आप प्लस पे देख लीजिए, ठीक है. और साथ में मेरे नोट्स, बुकलेट्स और पीडीएफ फ्री में मिलेंगे आपको. यू विल बी अटैच्ड इन माय व्हाट्सएप ग्रुप फॉर द नोट शेयरिंग पर्पस. तो इन बोथ द केसेज यू कैन सी इट हियर. और इसके अलावा ये देखिए स्टूडेंट्स, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर यूपीएससी का, ये 1 ईयर प्लान 28 अप्रैल तक देखिए एक्सटेंड हुआ है ये प्लान, ठीक है. अगर आप 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं नाउ आल्सो, इट विल बी वैलिड टिल प्रीलिम्स 2022, एंड इफ यू यूज 2 ईयर प्लान इट विल बी वैलिड टिल प्रीलिम्स 2023. यानी एक साल 12 मंथ्स की जगह पे आपका सब्सक्रिप्शन लगभग 15 मंथ्स का वैलिडिटी के साथ में आएगा.
टिल द प्रीलिम्स, ओके, एंड यूज कोड अनुराग फॉर द सेम पर्पस, ये मेरा नाम याद कर लीजिए भाई, ठीक है। और ये देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्बो प्लस जो क्या कहते हैं कॉम्बो का पैक है, ये जीएस प्लस ऑप्शनल प्लस सब्सक्रिप्शन दोनों का मिलाकर, ये देखिए 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शंस, यूज अनुराग एज अ डिस्काउंट कोड टू गेट अ 10% ऑफ। नमस्कार नमस्कार, जय हिंद। और ये देखिए द लास्ट माइल, इट्स अ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंसिव फॉर द पीपल हु हैव क्वालिफाइड द पर्सनैलिटी टेस्ट फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट दिस ईयर, फ्री फॉर ऑल एलिजिबल एस्पिरेंट्स, सो ट्रेन बाई एक्सपर्ट्स, इंटरव्यू बाई एक्सपर्ट्स, DAF एनालिसिस, इट्स गोइंग टू बी हेल्ड, इट विल बी अ मॉक टाइप ऑफ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम सो दैट यू मे परफॉर्म बेस्ट इन द इंटरव्यू ऑफ UPSC। और ये देखिए फ्री टेस्ट सीरीज, अन अकेडमी पाथ फाइंडर, अन अकेडमी इम्पल्स, अन अकेडमी राइज, MCQs, जितना सॉल्व कीजिएगा उतना अच्छा प्रीलिम्स के लिए। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। देखिए बैच कोर्सेज शुरू हुए हैं, 1 ईयर बैच कोर्स, 2 ईयर बैच कोर्स, NCERT बैच कोर्सेज, ज्वाइन द प्लस प्लेटफॉर्म टू गेट द बेस्ट। एंड यस स्टूडेंट्स, कल अन अकेडमी कॉम्बैट है, कल है 4 अप्रैल, कल अन अकेडमी कॉम्बैट फ्री मॉक टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कॉम्पिटिशन, यू कैन सी इट हेयर, एंड इसमें स्कॉलरशिप पूल भी है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका टेस्ट भी हो जाएगा दैट आप प्रीलिम्स के लिए कितने रेडी हैं। तो यूज कोड अनुराग टू पार्टिसिपेट इन अन अकेडमिक कॉम्बैट। और चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर इट। दिस इज माई प्रोफाइल अपॉन द अन अकेडमी ऐप, अनुराग IMS, सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए। आज शाम को 3 बजे के आसपास सेशन है सी सेट 2020 का पेपर, हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशंस, ठीक है, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के। साथ में 6:15 PM पर आज सेशन है, ठीक है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस हैं, MCQ सेशन है। फिर 7:30 PM अगेन MCQ सेशन, यस, तो आपको अटेंड करना ये सेशंस। एंड रात में आफ्टर दिस 9 o'clock पे भी एक सेशन शेड्यूल्ड है, ठीक है। तो ये 4 सेशंस आज के लिए, फ्री स्पेशल क्लासेस, गेट रेडी फॉर दिस, आपको बहुत फायदा होगा, प्लीज कम अपॉन द अनअकैडमी ऐप टू गेट द एडवांटेज। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स का। टुडे इज 3rd of April, डेली करंट अफेयर्स एक्सप्रेस ऑफ फाल्कन्स व्यू, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड लाइव मिंट से क्रूशियल न्यूज एक्सट्रैक्ट करके लेट्स सी, टेक आउट द एटलस स्टूडेंट्स, एटलस निकाल लीजिए, GS पेपर 1, 2, 3 मेंस का सिलेबस निकालिए, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, निकाल लीजिए दिस क्या कहते हैं 2 नोटबुक्स, वन फॉर न्यूज एंड वन फॉर एडिटोरियल, एंड यस 3-4 कलर के पेन निकाल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं मजेदार सेशन। पहला न्यूज ये रहा आपके स्क्रीन पर, दिस इज इंडियाज ऑयल डिप्लोमेसी, ओपेक एंड इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सुना है नाम आपने स्टूडेंट्स, टेल मी ओपेक, लेट्स सी ओपेक है क्या, लेट्स सी। ये देखिए PDF अटैच किया, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, 1960 में बगदाद में बनाया गया था, ये देखिए। लाइव मिंट का क्या इंपॉर्टेंस है आपको आज मालूम चलेगा, आज नारकोंडम हॉर्नबिल आया है लाइव मिंट में, ठीक है। मैं बता दूं आपको, मिंट न्यूज़पेपर का 1-2 न्यूज ऐसे होते हैं जो UPSC पुटअप करता है हर साल, 2-4 न्यूज आर कमिंग फ्रॉम लाइव मिंट, लेट मी टेल यू, इकोनॉमी से स्पेसिफिकली, लेकिन इस साल मैं देख रहा हूं मिंट इज पब्लिशिंग न्यूज ओवर एनवायरमेंट, और इसका मतलब है कि नारकोंडम हॉर्नबिल इस बार प्रीलिम्स में आ सकता है, गेट रेडी फॉर इट, ओके। तो ये देखिए बगदाद में इसका पैक्ट साइन किया गया, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने एक कार्टेल बनाया, कार्टेल एक ग्रुप एक गुट, जैसे आप बनाते हैं ना लाइक माइंडेड फ्रेंड्स बनाते हैं ग्रुप, ठीक है, कॉलेज जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, और कुछ हो ना हो ग्रुप जरूर बनता है, ठीक है। और ये देखिए फर्स्ट 5 मेंबर्स ईरान, ठीक है, उसमें एक कोर ग्रुप होता है, आपके ग्रुप में भी एक कोर कैबिनेट ग्रुप होता है, ठीक है, ठीक है, 2-3 दोस्तों का, वैसे यहां पे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, ये 4 कंट्रीज अरेबियन ब्लॉक से, मींस ईरान के अलावा ये 3 कंट्रीज अरब कंट्रीज, ईरान, पर्शिया एंड वेनेजुएला, 5 देशों का समूह ग्रुप, गेटिंग द पॉइंट।
एंड हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया। वियना एक न्यूट्रल टेरिटरी में पुट अप किया गया, इसके हेडक्वार्टर्स न्यूट्रल टेरिटरी में। यस, तो वर्ल्ड के 81.5% वर्ल्ड्स प्रोवेन ऑयल रिजर्व्स हैं यहाँ पे, 44% के आसपास ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन इसका, ये लास्ट ईयर का डेटा है, ठीक है, अभी ये इंक्रीज हुआ है। लेट मी टेल यू, अल्टीमेटली इसका मतलब है ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन का हाफ ओपेक कंट्रीज करती हैं। आर दे अ इंपॉर्टेंट ग्रुप, टेल मी स्टूडेंट्स, आर दे अ इंपॉर्टेंट ग्रुप? यस यस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। तो ये देखिए, आर दे अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप? यस, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है इनका भाई। और ये देखिए आज की तारीख में न्यूज क्या आया है, लेट सी। इन प्लान टू कट सऊदी डिपेंडेंस एंड एक्सपेडिशन बिगिंस फॉर मोर ऑयल सोर्सेज। ये देखिए सऊदी अरब के ऊपर ज्यादा ही हमारा डिपेंडेंस आ गया है और इसे सऊदी अरब हमारी बात नहीं मान रहा है। ये देखिए डिपेंडेंस ऑफ इंडिया, हैव अ लुक, डिपेंडेंस ऑफ इंडिया। उस समय ईरान और सऊदी के बीच में लड़ाई नहीं थी, ठीक है, उस समय इस्लामिक कंट्रीज एक थे और ज्यूइश कंट्री इसराइल अलग था, ठीक है। अभी के समय में ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, पता है ये प्रॉब्लम कब शुरू हुआ सऊदी और ईरान के बीच में? इट्स आफ्टर द राइज ऑफ इस्लामिक स्टेट, 2008-9 के आसपास, उसी वक्त प्रॉब्लम शुरू हुआ, आफ्टर US अटैक्ड इराक, उसके बाद उस बेल्ट में कौन रहेगा डोमिनेटिंग, इसको लेकर प्रॉब्लम शुरू हुआ, ठीक है। तो ये देखिए सऊदी अरब से क्या इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था स्टूडेंट्स, टेल मी, क्या आपको ये न्यूज याद है? इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था कि आप ऑयल प्राइसेस कम कीजिए, याद होगा तो अच्छी बात है। मैं बता दूं, लास्ट टू लास्ट वीक न्यूज आया था, 2 weeks बैक, इंडिया हैड रिक्वेस्टेड सऊदी अरब टू डिक्रीज द ऑयल प्राइसेस, सऊदी अरब रिफ्यूज्ड, ठीक है। ऑयल प्राइसेस रिड्यूस करने का एक तरीका क्या है? सप्लाई बढ़ाना, एग्री कर रहे हैं, सप्लाई इंक्रीज करना। तो इंडिया ने कहा था सप्लाई बढ़ा दो भाई, मेरे को फायदा होगा, सऊदी अरब ने कहा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, क्या कर लोगे? तो इंडिया ने कहा चलो बताते हैं क्या करेंगे, लेट्स सर्च फॉर मोर ऑयल सोर्सेज, क्योंकि पैसा तो ज्यादा नहीं देंगे अब आपको, ठीक है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई इंडिया बिगिंस एक्सपेडिशन, एक आप कह सकते हैं एक ऐसा ऑपरेशन, एक ऐसा मिशन कि हमें सऊदी अरब के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी है, ओपेक के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी है, हमें रिलायंस कम करना है, हमें अपना जिस क्या कहते हैं क्या कहते हैं ओवर रिलायंस क्या कहते हैं सऊदी अरब के ऊपर बहुत कम करना है। यहां देखिए लिखा हुआ है अमेरिकाज अफ्रीकाज एंड रशिया में, अमेरिकाज अफ्रीका एंड रशिया में इंडिया की सर्च चालू हो गई है। और अगर अगर यहां पे अगर यहां पे अमेरिकाज नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कैरिबियन आइलैंड्स, टेल मी स्टूडेंट्स, हैव यू हर्ड ऑफ कैरिबियन आइलैंड्स? लेट मी नो, कैरिबियन आइलैंड्स सुना है आपने? त्रिनिदाद एंड टोबैगो, त्रिनिदाद एंड टोबैगो फॉर एग्जाम्पल एंड अदर ग्रुप्स, ठीक है, गुयाना इन साउथ अमेरिका, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, जुड़ जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा है, ठीक है। उन जगहों पे इंडिया का सर्च चालू हो गया, मिशन चालू हो गया, मिशन टू फाइंड अनदर ऑल्टरनेट ऑफ सऊदी अरब। यस, वी नीड इट, वी नीड इट। और अगर इंडिया का यह मिशन सफल रहा तो ये दूसरे देशों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगा, डू यू एग्री? एक एग्जाम्पल सेट करेगा, यस। और मोनोपोली ओपेक की रुक जाएगी, मोनोपोली ऑफ ओपेक विल गो डाउन, डू यू एग्री? टेल मी स्टूडेंट्स, यस। तो इंडिया इंडिया एक तरीके से एक कमीशन पे आगे बढ़ चला है। और ये देखिए इंडिया का, इंडिया कितना परसेंट डिपेंडेंट है अभी ओपेक पे, हैव अ लुक। द कंट्री हैज ऑलरेडी कर्ब्ड इट्स रिलायंस ऑन द मिडिल ईस्ट फ्रॉम मोर देन 64% ऑफ इंपोर्ट्स इन 2016, 64% इंपोर्ट्स मिडिल ईस्ट से आ रहे थे, सऊदी अरब यूएई बेल्ट से आ रहे थे, ठीक है, टू बिलो 60% इन 2019, यस। लेकिन 2020 में ट्रेंड रिवर्स कर गया, 2020 में वापस शूट कर गया ट्रेंड, 80% डिपेंडेंसी सऊदी अरब के ऊपर हो गया। इस डेटा को अगर यहां पुट किया जाए, हैव अ लुक, 2016 इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स में 64% वेस्ट एशिया से, ईरान को हटाकर, ठीक है, 2019 60% वेस्ट एशिया से इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स,
लेकिन 2020 ये शूट कर गया 80% के आसपास वेस्ट एशिया से। क्या ये परेशानी की बात स्टूडेंट्स? टेल मी, दिस इज द रीजन इंडिया इज गोइंग फॉर, इंडिया वांट्स टू सर्च फॉर अल्टरनेट्स। अब लिखा हुआ देखिए यहां पे, लाइव मिंट का न्यूज है ये, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज OMCs मे फाइंड इट टफ टू शिफ्ट टू नॉन ओपेक क्रूड। ये देखिए, द ऑयल कार्टेल लेड बाय सऊदी अरब मेक्स अप अबाउट 83% ऑफ कंट्रीज फ्यूअल इंपोर्ट्स, 83%। ये देखिए, लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, इंडिया सर्च करेगा। और ये देखिए, ये द हिंदू का न्यूज, गवर्नमेंट आज द PSU रिफाइनर्स टू रिव्यू सऊदी ऑयल डील्स, यू कैन सी इट हियर, सऊदी ऑयल डील्स ऑल बिकॉज प्राइसेस हैव स्टार्टेड क्लाइंबिंग। यस, मूव कम्स इन द वेक ऑफ वेस्ट एशियन नेशन, वेस्ट एशिया का ये जो देश है सऊदी अरब, इसने इग्नोर कर दिया इंडिया का रिक्वेस्ट। इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था कि प्राइस बढ़ रहा है भाई, थोड़ा सा सप्लाई बढ़ाइए, इग्नोर कर दिया। तो हैव अ लुक स्टूडेंट्स, ये न्यूज आया है, ठीक है, एक्सप्रेस का न्यूज, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज, ठीक है, ये द हिंदू का, ये लाइव मिंट का, हर जगह ये न्यूज आज छाया हुआ है, ठीक है। लेट्स सी इंडिया की डिप्लोमेसी सही है या नहीं, लेट्स सी इंडिया की डिप्लोमेसी सही है या नहीं, हैव अ लुक। तो टेल मी स्टूडेंट्स, क्या ऑयल पॉलिटिक्स आज की तारीख का सबसे क्रूशियल एक पिलर है इंटरनेशनल रिलेशंस का? टेल मी, IR का एक बहुत बड़ा पिलर ऑयल पॉलिटिक्स है। यस, सब कोई ऑयल पॉलिटिक्स कर रहा है, ठीक है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हो, इंपोर्टिंग कंट्रीज हो, ठीक है। मैं बताऊंगा चाइना को लेकर, सऊदी अरब रिलेशंस, ठीक है, इंपोर्टिंग कंट्रीज हो, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हो। इंपोर्टिंग कंट्रीज का क्या होता है, ये देखिए स्टूडेंट्स, दैट इंडिया का, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का क्या एम है, ये देखिए यहाँ पे, इंडिया ने अपनी ऑयल डिप्लोमेसी डाइवर्सिफाई की है, डाइवर्सिफाइंग, यस, यही एक रास्ता है स्टूडेंट्स। अगर आप किसी पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं तो शुरू हो जाता है आपका ब्लैकमेलिंग, यस, शुरू हो जाता है अपने हिसाब से काम करवाना, यस। इसीलिए इंडिया की डिपेंडेंसी सऊदी अरब लेड ग्रुप पे ज्यादा हुई है, इसीलिए इंडिया आज डिफिकल्टीज फेस कर रहा है, ठीक है, हैव अ लुक। बट इंडिया स्टेप्स लिया है, ये देखिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। क्या सेंट्रल एशिया एक नया हब बन सकता है? टेल मी स्टूडेंट्स, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, यस, अलग से तापी पाइपलाइन अलग से इंडिया ने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। IPI पाइपलाइन तो रुक गया, ईरान पाकिस्तान इंडिया, लेकिन तापी पाइपलाइन आगे बढ़ चला है, ठीक है। एंड देखिए यहां पे, अफ्रीकन आउटरीच प्रोजेक्ट, अफ्रीकन आउटरीच, क्या अफ्रीका में इंडिया दोस्ती कर रहा है? नाइजीरिया से तो परेशानी है भाई, वहां पे बोको हरम मिलिटेंसी है, लेकिन अंगोला, सुदान, क्या ये देश, अंगोला, सुदान, अल्जीरिया, कैन दीज कंट्रीज हेल्प इंडिया? यस, बिल्कुल हेल्प मिल सकता है भाई इन सारे देशों में। कल उन्होंने अफ्रीका की मैपिंग में देखा, सहारा डेजर्ट के अंदर भी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं, ठीक है। और ये देखिए, इसके अलावा क्या इंडिया को, आपको नहीं लगता स्टूडेंट्स, इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया की तरफ में कुछ कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, ये देखिए इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सुना है आपने ब्रुनेई? टेल मी स्टूडेंट्स, ब्रुनेई एक छोटा सा देश है, इंडोनेशिया एक बड़ा सा देश है, ये दोनों देशों में क्रूड ऑयल का बहुत एक्सेसिव प्रेजेंस है, यस, इंडिया कैन गो फॉर इट, सर्च फॉर इट, यस। और अब इंडिया का बहुत बड़ा मिशन साउथ अमेरिका की तरफ, साउथ अमेरिका इतना भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, साउथ अमेरिका एक बहुत क्रेडिबल एरिया है रिसोर्सेज का, लिथियम रिसोर्सेज, यस, एंड लिथियम एंड क्रूड ऑयल, यस। तो लिथियम रिसोर्सेज तो आपने पढ़ा, लिथियम ट्रायंगल साउथ अमेरिका में, क्रूड ऑयल भी वहीं मिलेगा, ठीक है, गुयाना में, वेनेजुएला में, ठीक है, उस बेल्ट में, वेनेजुएला खुद में ही परेशान चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा डोंट यू थिंक स्टूडेंट्स, साउथ चाइना सी में थोड़ा सा हमें चलना पड़ेगा एक्सप्लोर करने के लिए वियतनाम के साथ में, यस, साउथ चाइना सी, डुअल एम, डुअल रोल, डुअल इंपैक्ट, वहां पे चाइना को काउंटर भी करने के लिए और साथ में तेल निकालने के लिए भी वियतनाम के साथ में, दैट्स इट, ठीक है। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, इसके अलावा क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया को डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन बढ़ाना चाहिए? डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन एक खराब न्यूज है इसको लेकर, दैट ये कम हुआ है रिसेंट ईयर्स में, यस, लास्ट 5-6 ईयर्स
दिस ओएनजीसी का डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन बहुत कम हुआ है, ये मैटर ऑफ कंसर्न है। डू यू थिंक वी शुड गो फॉर इंक्रीज्ड फोकस अपॉन डोमेस्टिक रिसोर्सेज? टेल मी स्टूडेंट्स। तो दिस क्या कहते हैं, कहां पे? बे ऑफ बंगाल, कहां पे? अरेबियन सी, कहां पे? अंडमान निकोबार आइलैंड्स के आसपास, कहां, जहां पे भी रिसोर्सेज मिल सकते हैं, वी शुड एक्सप्लोर डोमेस्टिक रिसोर्सेज। दैट्स इट, गेटिंग द पॉइंट। और इंडिया वेट कर रहा है, एक बहुत सटीक न्यूज आया है इंडिया के लिए। इतना सब कुछ इंडिया कर रहा है और अब इंडिया वेट भी कर रहा है। वेट किसके लिए कर रहा है? इसके लिए, ये देखिए, यूएस ईरान एग्री टू इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स। इंडिया कह रहा है जल्दी से बातचीत शुरू करो भाई, स्टार्ट टॉक्स, आई वॉन्ट बोथ ऑफ यू टू स्टार्ट टॉक्स ईरान वंस इट कम्स अप। तो ईरान मे बिकम इंडिया लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर इन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ईयर्स। यस, केवल ईरान से दोस्ती इसलिए तोड़नी पड़ी थी क्योंकि ईरान पे यूएस ने सैंक्शन लगाए थे। ईरान को लेकर यूएस की पॉलिसी पिछले 4 साल से ठीक नहीं चल रही थी। तो दिस इज गुड न्यूज ईरान के लिए, इंडिया वेट कर रहा है। इंडिया जितना जितना क्या कहते हैं वॉच कर रहा है इस न्यूज को, और कोई देश वॉच नहीं कर रहा है। इंडिया वॉन्ट्स यूएस एंड ईरान to come upon a table to negotiate about nuclear program of Iran so that Iran से sanctions हटाए जाएं। Do you agree? Sanctions Iran से हटाए जाएं और Iran वापस India को crude oil supply करे। Yes। Crude oil supply। Okay। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं पहले वाले news पे। पहला वाला news क्या है students? Have a look। ठीक है, चलिए मैं व्हाइट पेन यहां कर दे रहा हूं, डोंट वरी। ठीक है, आप लोगों ने कहा तो पेन कलर चेंज करते हैं। ये देखिए इंडोनेशिया मैंने लिखा है यहां पे, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, ये कुछ देश हैं स्टूडेंट्स जहां से इंडिया एक्सप्लोर कर सकता है लाने के लिए ऑयल। ये देखिए अंगोला, ठीक है, ये देखिए सूडान, एग्री कर रहे हैं, ये देखिए अल्जीरिया। यस, क्या ये कंट्रीज अफ्रीका में है? यस। इसके अलावा साउथ अमेरिका, यस। भाई देखिए, ईरान से दोस्ती डायरेक्ट ही होगी, लेकिन जब यूएस से उसकी दोस्ती इनडायरेक्ट होगी, यूएस थोड़ा सा उसको लिबर्टी देगा, ठीक है, सैंक्शन हटाएगा, दैट नाउ एनी कंट्री कैन टॉक विद ईरान, इंडिया विल कम अप ऑन बोर्ड, दैट्स इट। ठीक है, ये वही बात हो गई जैसे आपके आपके पड़ोसियों में, क्या कहते हैं, आपके नेबरहुड में, सोसाइटी में होता है ना, कभी कभी बचपन में होता था, ठीक है, कि उसके घर के बच्चों से बात नहीं करनी। फॉर एग्जांपल कुछ लड़ाई हुई है, ठीक है, जमीन को लेकर डिस्प्यूट हुआ है, ठीक है, तो वहां से बात नहीं करनी है, ठीक है। फिर आप वेट करते रहते थे कि क्रिकेट मैच खेलना है, ठीक है, टीम पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, कैसे बातचीत शुरू हो जाए, ठीक है, दोनों परिवार के बीच में बातचीत शुरू हुई, क्रिकेट टीम निकल पड़ी खेलने के लिए। गेटिंग द पॉइंट, ये साफ साफ वैसा ही कुछ है। इंडिया वेट कर रहा है कि ईरान और यूएस बात कर लें, उसके बाद ईरान के साथ दोस्ती तो पाए, हाथ का खेल है इंडिया की। दैट्स इट। सैंक्शंस ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सैंक्शन लगाए गए थे, सैंक्शंस वर पुट बाय यूएस अपॉन ईरान। अभी हम देखेंगे वो सैंक्शंस क्यों लगाए थे, डोंट वरी। आई सपोज यू गॉट द क्रक्स ऑफ इंडियाज ऑयल डिप्लोमेसी। इंडिया का ऑयल डिप्लोमेसी क्या कुछ क्लियर हुआ है पॉइंट स्टूडेंट्स? क्या इंडिया अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है? टेल मी, इज इंडिया गोइंग फॉर डाइवर्सिफाइंग इट्स रिसोर्सेज? यस। एंड शुड इंडिया फोकस अपॉन R&D इन ONGC? यस, ONGC में R&D बढ़ना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, क्या आपको नहीं लगता कि बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, समय आ गया है फोकस बढ़ाने का, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स के ऊपर फोकस बढ़ाने का समय आ गया है? यस, वी नीड टू फोकस अपॉन बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स सो दैट आवर क्रूड ऑयल डिमांड मे रिड्यूस, मे गो डाउन। यस भाई, इंडिया डिपेंड नहीं करता दूसरे कंट्रीज के ऊपर, सारे कंट्रीज डिपेंड करते हैं, ठीक है, बस चाइना को छोड़कर, ठीक है भाई। चाइना देखिए, एक तरीका होता है काम करने का, चाइना कहता है मैं किसी तरीके को नहीं मानता हूं, ठीक है, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, तो चाइना का अलग ही भाई, यू कैन सी चाइना हैज अ सेपरेट टाइप ऑफ पॉलिसीज।
चाइना का आप देख रहे हैं, चाइना ने 2 decades में इतना डेवलप कर लिया है खुद को कि वो काउंटर कर रहा है यूएस को भी, ठीक है। सो यू कैन ओनली, अभी तक चाइना वाज चाइना वाज आल्सो अंडर यूएस ओनली, ठीक है, एक तरह समझ लीजिएगा जस्ट 10 years बैक, ठीक है। अभी जाके चाइना का एंटागोनिज्म सामने आ रहा है, दैट्स इट। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, जरूर से अगर मैं आपकी जगह पे रहूंगा, मैं रेडी कर लूंगा इस टॉपिक को, क्योंकि इसी के बारे में टॉक्स किए थे आज से 15 इयर्स बैक, मैंने आपको कहा हुआ है, इट्स नॉट अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी, इट्स अबाउट एनर्जी इंडिपेंडेंस। आई होप यू एग्री विद मी। दिस टॉक्स वर गिवन बाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये देखिए, एनर्जी इंडिपेंडेंस, इंडिया को किसी एक के ऊपर से अपना डिपेंडेंसी कम करना है। एग्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स? आज के ग्लोबल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, देयर इज नॉट अ सिंगल कंट्री वेयर यू कैन रिलाई अपॉन कंप्लीटली, वेयर यू कैन रिलाई अपॉन कंप्लीटली। इसीलिए इंडिया शुड गो फॉर एनर्जी इंडिपेंडेंस, सो दैट, ये एनर्जी सिक्योरिटी की बात नहीं है, एनर्जी इंडिपेंडेंस। यस, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी से कहीं ज्यादा आगे का कंसेप्ट है एनर्जी इंडिपेंडेंस, क्योंकि डॉक्टर कलाम साहब है टॉक्ड अबाउट एनर्जी इंडिपेंडेंस इन विच पीपल पार्टिसिपेशन, पीपल विल प्ले अ रोल। हाउ कम पीपल विल प्ले अ रोल? ही हैड टोल्ड दैट विदाउट द कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल बाय द पीपल इन द व्हीकल्स, इंडिया इज नॉट गोइंग टू गेट एनर्जी इंडिपेंडेंस। डू यू एग्री? बिना एनर्जी, बिना लोगों के पार्टिसिपेशन के, आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं, आप गाड़ी बंद नहीं कर रहे हैं अपना, ठीक है, उसके कारण जो भी तेल जल रहा है, जो भी 1 रुपए का जल रहा है, वो आपके लिए 1 रुपए होंगे। आप पैसे में तौल रहे हैं, आप रिसोर्सेज में नहीं तौल रहे हैं। ही हैड टॉक्ड अबाउट दीज वर्ड्स, ही हैड टोल्ड दैट विदाउट पीपल पार्टिसिपेशन इंडिया कैन नेवर गेट एनर्जी इंडिपेंडेंस। यस, गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स? गॉट इट? तो ये एनर्जी इंडिपेंडेंस जरूर से स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा, एनर्जी इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, उसमें एक जो क्या कहते हैं, जो कंजम्पशन साइड है इंडिविजुअल, उसका भी रोल है। नहीं देखिए, इंडिया में ऐसा होगा ही नहीं कि आपने कहा कि सर पीपल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऑयल कंजर्वेशन नहीं होगा, नहीं होता है, ठीक है, कम लोग करते हैं, लेकिन एटलीस्ट अ स्टार्ट कैन बी डन फ्रॉम योर साइड, ठीक है। मैं ऑलरेडी इस पे फोकस करता हूं, ठीक है, आप भी अपना क्या कहते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से, जरा सा भी देश के लिए कंट्रीब्यूशन, बिग रोल इट कैन प्ले फॉर फ्यूचर। यस, ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से एक सवाल बनता है स्टूडेंट्स, ना एक सवाल बनता है प्रीलिम्स के लिए, यहां से क्या क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स, ओपेक कंट्रीज के बारे में, ओपेक कंट्रीज में आज के मेंबर्स आपको नोट करना है, ठीक है, मेंबर्स, क्या ये नोट कीजिएगा आप लोग, आज प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान दीजिएगा, एशिया के बाहर के मेंबर्स, आउटसाइड एशिया मेंबर्स, दैट्स इट, क्लियर। एंड सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट इसके अलावा, ओपेक के फाउंडिंग मेंबर्स, विल यू डू इट? फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे बताइए मुझे चैट बॉक्स में, फाउंडिंग मेंबर्स का एग्जाम्पल, 5 देश, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत एंड वेनेजुएला, यस, ठीक है। 1960 बगदाद पैक्ट, वियना में हेडक्वार्टर्स, दैट्स इट, न्यूट्रल टेरेटरी में, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए इस न्यूज से, ठीक है, और मेंस के लिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिख लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियाज ऑयल डिप्लोमेसी, यस, लिख लीजिए ये सवाल, 10 marks क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियाज ऑयल डिप्लोमेसी, एग्जामिन द नीड of creating, चलिए तो
तो आई सपोज आई एम ऑडिबल एंड विजिबल नाउ अगेन, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए ना इंसान को, नहीं थोड़ी सी परेशानी हो जाती है बीच बीच में, छोटी मोटी परेशानी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग ऑयल डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया के ऊपर फोकस थे और उस पर एक सवाल मैं दे रहा था, ठीक है, ये सवाल नोट कर लीजिए। ओके ओके, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग पेशेंस इन द सेशन, ठीक है। चलिए तो ये देखिए स्टूडेंट्स, चलिए वापस आइए इस सेशन के ऊपर, ये देखते हैं, फोकस करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियाज ऑयल डिप्लोमेसी, एग्जामिन द नीड ऑफ क्रिएटिंग अ ग्रुप ऑफ ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज। डू यू एग्री, एक ग्रुप क्रिएट होना चाहिए, टेल मी स्टूडेंट्स, बच्चा लोग बताइए, ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज का एक ग्रुप क्रिएट होना चाहिए। 15 मार्क्स का क्वेश्चन, 250 वर्ड्स में लिखना है आपको। ठीक है, तो ये देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियाज ऑयल डिप्लोमेसी, एग्जामिन द नीड ऑफ क्रिएटिंग अ ग्रुप ऑफ ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज। ग्रुप ऑफ ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज, इंपोर्टिंग कंट्रीज का एक डिप्लोमेसी, यस, जैसे ओपेक बनाया गया वैसा ये कार्टेल चाहिए, हमें एक ग्रुप चाहिए, अ बिग ग्रुप वी नीड, यस। दिस क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स दिस ईयर, लेट मी टेल यू, ये जो सेकेंड पार्ट है ना क्वेश्चन का, ये लगभग 3 बार न्यूज में आ चुका है कि एक ग्रुप बनना चाहिए ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज का, प्रेशर पुट करने के लिए, प्रेशर टैक्टिक्स, बार्गेनिंग टैक्टिक्स। टेल मी स्टूडेंट्स, अगर आप गुट में जाते हैं कहीं पे ग्रुप में, तो क्या आपकी बात ज्यादा मानी जाती है? टेल मी, ठीक है, क्या आपकी बात ज्यादा मानी जाती है? यस, दैट्स इट। इसी वजह से एक ग्रुप बनाना बहुत आवश्यक है। ये ग्रुप लास्ट ईयर बनने वाला था, बट देन चाइना बॉर्डर एग्रेशन बिगैन एवरीथिंग, और ये ग्रुप साइडलाइन कर दिया गया। ये ग्रुप क्या सबसे ज्यादा जरूरत है इंडिया को, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, ये दिस इज द मेंस क्वेश्चन, 15 मार्क्स, 250 वर्ड्स, जरूर से रेडी कर लीजिएगा। एंड इफ यू फाइंड दिस इन जीएस मेंस पेपर दिस ईयर इन पेपर 2, डोंट बी सरप्राइज फॉर दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड दिस ईयर, ठीक है। तो ये चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ चलते हैं, अगला न्यूज देखते हैं क्या है अगला न्यूज। ये देखिए अगला न्यूज वही वाला तो है, रिलेटेड ईरान वाला न्यूज है, ठीक है। ईरान यूएस हैव एग्रीड टू इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स, ये देखिए, हैव अ लुक, ये द हिंदू का न्यूज, यूएस और ईरान अब एग्री कर गए हैं, कम से कम टेबल पे आकर बैठ जाएंगे, ये देखिए, और बात करेंगे। टेबल पर बैठ के बात करेंगे तो कम से कम कुछ तो पैक्ट साइन हो जाएगा, डू यू एग्री, एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। तो आप बोलेगा ठीक है सर, ये न्यूज आया है, ठीक है ठीक है। बार्गेनिंग पावर, देखिए आप जब आप खुद बताइए स्टूडेंट्स, व्हेन यू जब किसान सब एक साथ जाएंगे, ये मैंने डिस्कस किया था इंडियन इकोनॉमी में, जब किसान सब जाएंगे एक साथ एपीएमसी मंडी में बेचने के लिए अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, सो डोंट यू थिंक कि जब एक ग्रुप में जाएंगे, एक प्रेशर ग्रुप, एक प्रेशर क्रिएट करेंगे वहां पे, तो उनकी बार्गेनिंग सफल होगी? अकेले जाएंगे, दे आर एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। ये एनर्जी इंडिपेंडेंस का कोट, एनर्जी इंडिपेंडेंस पे डॉक्टर कलाम साहब ने 2005 में कहा था, मुझे याद है ये स्टेटमेंट, उस समय मैं तैयारी कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था मैं यूपीएससी की, बहुत अच्छा कोट आया था, यूपीएससी ने सवाल पूछा था उसके ऊपर कि व्हाट इज एनर्जी इंडिपेंडेंस। डॉक्टर कलाम साहब का एक कंसेप्ट था एनर्जी इंडिपेंडेंस का, ही टोल्ड एनर्जी इंडिपेंडेंस का मतलब है, एनर्जी इंडिपेंडेंस का मतलब है, ये बहुत ही होलिस्टिक कंसेप्ट है, होलिस्टिक कंसेप्ट, इट्स अ होलिस्टिक कंसेप्ट, इट्स अ फ्यूचर कंसेप्ट, वेयर इन नॉट ओनली द कंट्री ऑल्सो द इंडिविजुअल शुड नॉट बी ओवरली डिपेंडेंट अपॉन एनर्जी। उन्होंने देश के बाद एक इंडिविजुअल को लिंक कर दिया था इस जगह पे, उन्होंने कहा था ये तभी पॉसिबल है इफ द इंडिविजुअल focuses upon energy conservation, that's it, clear है? तो आप भी agree करते हो ना इससे, बिना individual के energy independence India प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने जो बात कही थी उसी को कहते हैं people participation, उन्होंने जो बात कही थी, आप पंचायत की बात करते हैं ना, municipalities की बात करते हैं, उन्होंने ये कहा था कि जब तक गांव गांव में
हर पर्सन को ये पता नहीं होगा कि हम लोग ऑयल के लिए डिपेंडेंट हैं बाहर के देशों पे, तब तक देश एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं। होलिस्टिक का मतलब होता है बहुत ही वाइड रेंजिंग। होलिस्टिक का मतलब होता है बहुत ही वाइड रेंजिंग। होलिस्टिक मीन्स बहुत वीक, हर एक पार्ट, हर लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को इंपैक्ट करता हुआ। एनर्जी इंडिपेंडेंस आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को इंपैक्ट करता है। इम्पैक्ट करता है एजुकेशन को, इम्पैक्ट करता है आपके घर की इकोनॉमी को, इम्पैक्ट करता है आपके घर के ऑटोमोबाइल्स के की कितना ड्राइव करते हैं आप। यस, होलिस्टिक, बहुत होलिस्टिक। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ जाएं। इसमें देखिए, यूएस ईरान एग्री टू इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स। लेट मी टेल यू व्हाट वाज दिस इश्यू। ठीक है, ईरान वेंट फॉर, ध्यान दीजिएगा, ईरान बस शॉर्ट में बता रहे हैं, ईरान ने 2001 में डिक्लेयर्ड, ईरान डिक्लेयर्ड दैट, डिक्लेयर नहीं किया, फाइंड आउट किया गया, इट इज गोइंग फॉर न्यूक्लियर पावर जनरेशन। ठीक है, 2001 की बात है। ये वही समय था जब उसके पहले इंडिया और फिर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। ईरान ऑल्सो वेंट अहेड। ठीक है, एंड ईरान वॉज आस्क्ड, ईरान से सवाल पूछे गए क्वेश्चन कि भैया तुम्हें क्यों न्यूक्लियर पावर चाहिए, यू हैव ऑलरेडी ऑयल। ईरान ने कहा ऐसे ही भाई, मन कर रहा मेरा। ठीक है, ईरान को फिर उसके बाद ईरान के ऊपर नजर रखनी शुरू की गई 2003 से। यस, एंड एट द सेम मोमेंट स्टूडेंट्स, इंडिया वेंट ऑन टू साइन, इंडिया ने ईरान के साथ एक नया दोस्ती का एग्रीमेंट साइन किया। इंडिया ईरान, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन, नेचुरल गैस पाइपलाइन, मीथेन गैस पाइपलाइन बनाने की बात की गई। सुनिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, ईरान 2001 न्यूक्लियर पावर जनरेशन, ईरान 2003 ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन, और उसके बाद ईरान के ऊपर 2004 से यूएस का प्रेशर आना शुरू हो गया। एट दैट टाइम जॉर्ज बुश सेकेंड वॉज यूएस प्रेसिडेंट, और कौन प्रेशर डालेगा, यूएस डालेगा प्रेशर। यूएस ने कहा गलत कर रहा ईरान, सुनने में आ रहा ईरान न्यूक्लियर वेपन्स जनरेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। ईरान पे प्रेशर आना शुरू हुआ कि आप इंस्पेक्शंस करवाइए अपनी जगहों के। एंड उसके बाद 2005 यूएस की तरफ से सबसे पहला इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, दैट इंडिया कैन साइन अ, इंडिया और यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन करेंगे। इंडिया पे उस समय सैंक्शंस लगाए गए थे, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी, इंडिया वेंट फॉर न्यूक्लियर टेस्टिंग, इंडिया के मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस वर सैंक्शंड। सैंक्शन का मतलब है पैसे के सप्लाईज बंद। ठीक है, उनके साथ कोई भी बाहर के कंट्रीज के कंपनीज बातचीत नहीं कर रहे थे। एंड देन इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर पैक्ट वॉज साइंड, उस पर एक ही कंडीशन रखा गया, आप ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन रोक दीजिए, गैस पाइपलाइन रोक दीजिए। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। एंड आफ्टर दैट 2000, ध्यान दीजिएगा, 2001 3 4 एंड 5, आई होप यू गॉट द टाइमलाइन। ठीक है, 2008 स्टूडेंट्स, उसके बाद ठीक है, व्हेन बराक ओबामा केम टू द फोर फ्रंट। ठीक है, बराक ओबामा केम टू द फोर फ्रंट, उसके बाद यूएस की पॉलिसी रही कि ईरान को लेकर टेबल टॉक्स किए जाएं, टेबल टॉक्स। यस, ये पॉलिसी चली है 2016 तक, और इसमें देवर सक्सेसफुल। 2015 अ जॉइंट ग्रुप वॉज फॉर्म्ड, जॉइंट कमिटी ग्रुप वॉज फॉर्म्ड। यस, ठीक है, डेली टाइमिंग सुबह के 7:50 है। ठीक है, तो ये देखिए, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट का मतलब था, सिविल न्यूक्लियर पैक्ट का मतलब था, इंडिया के जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स पावर जनरेशन के लिए, उसके लिए हम आपको फ्यूल सप्लाई करेंगे, यूरेनियम फ्यूल, यूएस ने कहा। यूएस एग्रीड दैट इंडिया के साथ मिलिट्री न्यूक्लियर पैक्ट नहीं साइन होगा, सिविल न्यूक्लियर पैक्ट साइन होगा, दैट वाज इट। सो 2008 बराक ओबामा केम अप, ठीक है, एंड 2016 तक वो थे, जब तक तब तक ईरान को लाने की कोशिश की गई टेबल पर। 2015 दे वर सक्सेसफुल, लेकिन 2016 में फिर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और सब कुछ बदल जाता है ईरान के लिए। ईरान मॉडरेट हो गया था उस समय तक, एंड देन यूएस गोज ऑन टू किल, टू क्या कहते हैं, जो भी ईरान के दो दो लोग, दो प्रीमियर लोग, एक आर्मी के चीफ सोलेमानी एंड फकरी जदे न्यूक्लियर साइंटिस्ट किल्ड लास्ट ईयर, एसासिनेटेड।
वर असैसिनेटेड एंड कहा गया यूएस का इसमें हाथ है. क्लियर क्लियर स्टूडेंट्स. एंड अल्टीमेटली ईरान ने कहा अब तो दोस्ती नहीं करेंगे. 2020 के बाद ईरान ने डिसाइड किया दोस्ती नहीं करेंगे. और फिर डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं इलेक्शंस में और जो बाइडेन हु वाज ऑफ द सेम पार्टी एंड द वाइस प्रेसिडेंट व्हेन बराक ओबामा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ही कम्स अप, ही इज मॉडरेट, ही सेज आई वांट टू ब्रिंग ईरान बैक ऑन द टेबल. दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं. ठीक है, ईरान ने कहा नहीं करेंगे भाई. ठीक है, उसी पे बार बार यूएस बार बार फोन कर रहा ईरान को. ईरान अल्टीमेटली एग्री कर गया. आज का न्यूज है ये देखिए. ईरान एग्रीड. ईरान इन द लास्ट 4 years ईरान एंड यूएस के रिलेशन बहुत खराब हुए थे, ऑल बिकॉज ऑफ द यूएस पॉलिसी ऑफ किलिंग द ईरानियन साइंटिस्ट. और ये देखिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये देखिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखिए, ईरान का देखिए मैप देखिए स्टूडेंट्स. यहाँ पे क्या ये मैप में आपको दिख रहा है, ईरान इज ऑन वन साइड बाई कैस्पियन सी, ऑन वन साइड बाई अरेबियन सी. टेल मी स्टूडेंट्स, ये कैस्पियन सी बेल्ट, ये देखिए मैप, ईरान का यही मैप आपके एटलस पे बना होगा. ये देखिए खाड़ी देश, यहाँ पर्शियन गल्फ, ठीक है. 2008 बराक ओबामा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. जॉर्ज बुश रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी. जॉर्ज बुश के समय ईरान पे बहुत प्रेशर टैक्टिक्स प्ले किया गया था 2008 तक. 2008 डेमोक्रेट्स केम इन यूएस, बराक ओबामा, और उसके बाद दोस्ती शुरू की गई ईरान से. ईरान को मॉडरेट स्टांस पे लाने की कोशिश शुरू की गई कि लड़ाई नहीं करना है, हमें दोस्ती करनी है. 7 साल लगे एग्जैक्ट बराक ओबामा को ईरान को टेबल पे लाने में. ठीक है, तो हैव अ लुक स्टूडेंट्स, आई सपोज यू गॉट इट. ये देखिए क्या इसमें फर्दो न्यूज में था, टेल मी स्टूडेंट्स, क्या फर्दो वाज इन न्यूज, FORDOW, टेल मी स्टूडेंट्स. नतांज, क्या ये न्यूज में है फर्दो नतांज, ये देखिए. आर दीज सिटीज ऑलवेज इन न्यूज इन ईरान, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, यस. अरक, ये देखिए अरक, फर्दो नतांज अरक, ये नोट कर लीजिएगा, यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चंस. रिसेंटली फर्दो वाज इन न्यूज. व्हाट इज फर्दो फेमस फॉर? इट इज अ न्यूक्लियर, ध्यान दीजिएगा, फ्यूल एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी. इट्स अ फैसिलिटी हैविंग, इट्स द प्लेस हैविंग फ्यूल एनरिचमेंट टेक. यस, फ्यूल एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी. एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी मैंने बताया था आप लोगों को, एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी. ये देखिए जो यूरेनियम मिलता है स्टूडेंट्स रॉक्स में, ठीक है, यूरेनियम 238 ज्यादा मिलता है, 99.7%. यानी अगर कोई पत्थर उठाइएगा यूरेनियम का, उसमें 99.7% U238. इसका कोई डायरेक्ट काम नहीं है. एंड U235 जो मिलता है उसमें, उसी पत्थर में U235, वो केवल 0.3%. ठीक है, तो क्या ये और ये काम की चीज है यूरेनियम 235? दीज टू आर U235 एंड U238 आर रेडियो आइसोटोप्स. आइसोटोप्स सुना है आपने केमिस्ट्री में, आइसोटोप्स, यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं ये. एंड U235 बहुत कम है, जबकि इसी से ज्यादा पावर जनरेशन होता है. ठीक है, दिस इज नीडेड, दिस डायरेक्टली ब्रेक्स टू रिलीज एनर्जी. और इसी का मात्रा बढ़ाने के लिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर इसकी मात्रा बढ़ानी है क्या करोगे, U235 का प्रोपोर्शन बढ़ाना है इसमें रॉक में, क्या करोगे, आपको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन, यस. आपको कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा U235 का, यस. इसी को कहते हैं एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी. एनरिचमेंट इज इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ U235 इन द रॉक. ये फर्दो में ईरान ने सेटअप किया है. ठीक है, ये देखिए फर्दो में ईरान ने सेटअप किया है, ये मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इज इट क्लियर, टेल मी, क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, सो आई सपोज यू गॉट द क्रक्स.
Fordow is in news, Natanz is in news, Arak is in news, and overall Iran and US are in news. US Iran agree to resume talks on nuclear deal next week. अब इस पे न्यूज आने वाला है, अब लगातार 6 months न्यूज आएगा, देखिएगा. ठीक है, ये लाइव मिंट का न्यूज, सेम न्यूज. ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज, सेम न्यूज. यूएस ईरान एग्री टू बिगिन इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस ऑन रिटर्निंग टू न्यूक्लियर डील. इनडायरेक्ट टॉक्स, उन्हें कोई मीडिएटर चाहिए बीच में. ईरान वाले कह रहे हैं हम यूएस को डायरेक्टली नहीं देखना चाहते हैं. भाई ठीक है, मुझे देखने का मन ही नहीं कर रहा है. यूएस भी कह रहा है यार देखने का मन नहीं कर रहा, चलो किसी और को लेकर चलेंगे साथ में. ठीक है, लेकिन दोस्ती करेंगे. ठीक है, और ये देखिए द हिंदू का न्यूज, यूएस ईरान एग्री टू इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स. ये देखिए, अब आप बोलेंगे सर ये न्यूज पूरा आपने पढ़ा दिया, सर व्हाई हैव यू टॉट दिस न्यूज, इज दिस न्यूज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेस्ट एशिया डायनामिक्स, टेल मी. वेस्ट एशिया में पीस रहेगा कि नहीं, क्या ये इस पे डिपेंड करेगा, टेल मी स्टूडेंट्स, बच्चा लोग बताइए. वेस्ट एशिया डायनामिक्स, यस, पीस इन वेस्ट एशिया डिपेंड्स अपॉन ईरान स्टांस, यस, ईरान के ऊपर स्टांस. ठीक है, और ये देखिए इसके अलावा स्टूडेंट्स दैट क्या इससे इंडिया ईरान रिलेशन सुधर सकते हैं आगे चलकर, यस, इंडिया ईरान रिलेशंस, यस. सैंक्शंस ईरान से हटेगा, कैन ईरान बिकम द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड, लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड, इंडिया इज वेटिंग फॉर द डे, यस. ईरान बहुत अच्छा दोस्त रहा शुरू से, ईरान से दोस्ती तोड़नी पड़ी बीच में हम लोगों को 2016 के बाद, यस. फॉरेन पॉलिसी थी, यूएस का प्रेशर था इसके ऊपर. ठीक है, चाइना ने नहीं मानी बात यूएस की, बट इंडिया हैड टू एक्सेप्ट इट. इंडिया यूएस रिलेशन इसीलिए आगे बढ़े हैं, इंडिया ने एक्सेप्ट किया और ईरान से कितने इंपोर्ट ऑफ क्रूड बंद कर दिया ईरान से. ठीक है, गॉट इट. सो हैव अ लुक, लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ईरान कैन बिकम इन नियर फ्यूचर. इंडिया वॉज वेटिंग फॉर दिस न्यूज, एंड सबसे ज्यादा इंडिया ही वेट कर रहा आगे क्या होगा इसका. लेट्स होप दैट इट हैज अ पॉजिटिव आउटकम. अब आप बोलिए सर ईरान को इतना स्पेस देना क्या सही है क्या. ठीक है, तो ये बताइए स्टूडेंट्स, ईरान को इतना स्पेस दिया जाए या नहीं दिया जाए यूएस की तरफ से. टेल मी वन थिंग, क्या कोई भी कंट्री पहले अपना इंटरेस्ट देखता है. टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या कोई भी कंट्री अपना इंटरेस्ट देखता है बच्चा लोग. यस, और हमें अपना इंटरेस्ट देखना है यहाँ पे, क्लियर कट अपना इंटरेस्ट. और वो स्पेसिफिकली कोविड के बाद यही हो गया है, खुद का इंटरेस्ट देखो, बाकी सबको साइड करो. ठीक है, हमें यहां पे अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, दैट्स इट. तो चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स, इसी के बाद अगला न्यूज ये देखिए स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट न्यूज कम्स अप, फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलार पावर प्लांट कम्स अप इन राजस्थान. केस स्टडी अप्रोच, ये केस स्टडी अप्रोच है, ये देखिए स्टडी अप्रोच, ये बहुत जगह इंटरलिंक होगा. ये देखिए न्यूज, हैव अ लुक, ये देखिए सोलार पावर प्लांट्स इन फार्म्स एग्रीकल्चर फील्ड्स, क्या एक बिग जंप है. टेल मी स्टूडेंट्स, ये देखिए सोलार पैनल्स टिल्टेड नीचे में क्रॉप्स, क्या यही वो स्कीम है जिसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल आया था 3 years बैक. यस, आई हैड टॉक्ड अबाउट दिस. ठीक है, सो हैव अ लुक, विल मेक राजस्थान हब ऑफ सोलर एनर्जी. और ये देखिए प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम, ये देखिए ये स्कीम देखिए यहां लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम स्कीम. हैव अ लुक, ये देखिए. ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे पीएम कुसुम स्कीम, फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलार पावर प्लांट comes up in Rajasthan. It has capacity to produce 17 lakh units of electricity per year. अब आप बोलिएगा कि सर इसे कहां कहां लिंक कीजिएगा, लिंक करने की जगह कम पड़ गई. देखिए यहां पे इतने ज्यादा इंटरलिंकिंग है. पहला पॉइंट, क्या रूरल डेवलपमेंट में इंटरलिंक करोगे. टेल मी स्टूडेंट्स, आज की तारीख में केवल क्रॉप्स पे डिपेंडेंट फार्मर्स, डू यू एग्री फार्म्स कैन ऑल्सो बिकम द नेक्स्ट हब ऑफ सोलार पावर. टेल मी, यस, रूरल डेवलपमेंट, गांव का विकास, सोलार पावर. एंड ध्यान दीजिएगा, इज दिस गोइंग टू हेल्प द रूरल फोक. यस,
रूरल पीपल एम्पावरमेंट, वल्नरेबल सेक्शंस, वल्नरेबल सेक्शन एम्पावरमेंट, यस। इसके अलावा स्टूडेंट्स टेल मी, क्या इससे इससे जो फार्म पे जो भी कंजम्पशन है डीजल का, डीजल पंप सेट्स का, डीजल का कंजम्पशन, क्या वो कम होगा? टेल मी स्टूडेंट्स, डीजल एम यही है पीएम कुसुम स्कीम का, डी डीजलिंग द फार्म्स, यस, डीजल का कंजम्पशन कम करना है वहां। तो क्या इससे इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंस मिलेगा? टेल मी, क्या इससे इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंस मिलेगा? यस, ये क्लासिकल स्कीम सोलर पावर के ऊपर। पर्यावरण भी सेव होगा, बहुत सारे पॉइंट्स, इतने सारे पॉइंट्स हो गए कि ये ऐसा केस स्टडी है ना स्टूडेंट, ये ऐसा केस स्टडी है, हर साल आप लिंक कर सकते हो। कुछ ऐसे केस स्टडीज आते हैं, सम न्यूज कम, यू कैन लिंक एनी वेयर एंड एवरीवेयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बार जीएस पेपर 1, 2, 3, ठीक है, जीएस पेपर 1, 2, 3 में कहीं ना कहीं आएगा एनर्जी, एनर्जी को लेकर, रिन्यूएबल्स को लेकर, या तो जीएस पेपर 1 में, ठीक है, ज्योग्राफी में, या जीएस पेपर 2 में आएगा वल्नरेबल सेक्शंस में, रूरल डेवलपमेंट में, लिंक कर दीजिए वहां पे, या जीएस पेपर 3 में आएगा एनर्जी इंडिपेंडेंस, वहां पे आ सकता है, ऑयल डिप्लोमेसी आ सकता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में आ सकता है, हर जगह ये लिंक हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू इनडायरेक्टली इंपैक्ट द कंजम्पशन ऑफ डीजल, डीजल कंजम्पशन कम होगा रूरल रीजन्स में, गांव में, दैट्स इट। इसे कहेंगे स्मार्ट एग्रीकल्चर, बहुत अच्छा पॉइंट। और ये बताइए स्टूडेंट्स, अगर ये बंजर जमीन हो, बैरन लैंड्स हो, वेस्ट लैंड्स हो, क्या इससे अच्छा कोई इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, गेट द पॉइंट। अगर वेस्ट लैंड्स है स्टूडेंट्स और वहां पर अगर खेती के लिए रिक्लेमेशन किया जा रहा है, रिक्लेमेशन उससे कहीं ज्यादा अच्छा है वेस्टलैंड्स में सोलर पैनल्स क्रिएट किए। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स, सो पीएम कुसुम स्कीम, आई होप यू गॉट द क्रक्स। दिस केस स्टडी इज वन केस स्टडी, अनलिमिटेड बेनिफिट्स, वन केस स्टडी, अनलिमिटेड बेनिफिट्स इन अनलिमिटेड पेपर्स अक्रॉस यूपीएससी। यस प्लीज, ऑप्शनल पेपर, पीपल पार्टिसिपेशन, ठीक है, पब्लिक एड पेपर, इकोनॉमिक्स का ऑप्शनल, ठीक है, ठीक है, ज्योग्राफी ऑप्शनल, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, वल्नरेबल सेक्शन, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, एग्रीकल्चर ऑप्शनल, अरे बचा क्या, कुछ नहीं बचा। यहां पे आप हर जगह से लिंक कर सकते हैं, 20 वर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर लीजिए यहां से, बस दैट्स इट, क्लियर। तो यही है स्टूडेंट्स पीएम कुसुम स्कीम, और देखिए यहां पे लिखा हुआ, यहां पे सोलार कैपेसिटी बढ़ाना है फार्म्स पे, ठीक है, और क्या इसी को कहते हैं स्मॉल स्मॉल रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स, स्मॉल साइज के, यस, ये देखिए, इसका मतलब है एवरीवन एंड एनीवन कैन इंस्टॉल इट एंड द फार्म, दैट्स इट, ठीक है। और ये देखिए अल्टीमेटली अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी एक्सटेंडेड टू मार्शी लैंड्स, पेशर लैंड्स, मार्शी एरियाज, अरे कच्छ में भी तो आ सकता है, नहीं आ सकता? टेल मी, क्या आ सकता है स्टूडेंट्स? एग्रीकल्चर के लिए रिक्लेमेशन चल रहा है, उससे कहीं बेहतर है सोलार पावर, सोलार पैनल्स, दैट्स इट। अब आप लोग सर वल्नरेबल सेक्शंस को कैसे एम्पावर करेगा? वल्नरेबल सेक्शन में यहां किसको ले रहा हूं? किसान को मैंने, फार्मर, फार्मर भी वल्नरेबल है एट प्रेजेंट, डू यू एग्री? टेल मी स्पेसिफिकली, जो जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स एग्री कर रहे हैं? जिनके पास पैसे की बहुत कमी है और ना वहां पे व्हाइट रेवोल्यूशन है ना ग्रीन रेवोल्यूशन है, क्या उस जगह पे ये व्हाइट और ग्रीन रेवोल्यूशन की जगह ये एक एनर्जी रेवोल्यूशन रोल प्ले कर सकता है? एनर्जी रेवोल्यूशन, यस, ये देखिए, दैट्स इट। जिनके पास बहुत कम जमीन, दैट्स इट, उनके लिए बातचीत कर रहे हैं। डेजर्ट एरिया ऑल्सो इट कैन प्ले अ रोल, दैट्स इट, क्लियर। आइए आगे बढ़ जाए बच्चा लोग, ये पहला, ये थर्ड न्यूज, आई सपोज यू गॉट द क्रक्स। आइए अगला न्यूज देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल बर्ड, ये है नारकोंडम हॉर्नबिल। सुना है आपने नारकोंडम आइलैंड्स? टेल मी स्टूडेंट, नारकोंडम आइलैंड सुना है आपने? ये देखिए नारकोंडम हॉर्नबिल, कितना कितना ब्यूटीफुल बर्ड, यू कैन सी इट हियर। और यही बर्ड के ऊपर आज इंडियन एक्सप्रेस ने, सॉरी ये लाइव मिंट ने आज पुटअप किया है न्यूज, ठीक है।
व्हाट 1000 हॉर्नबिल्स कंट्रीब्यूट टू द टाइनी नारकोंडम आइलैंड। अभी मैप ओपन कीजिए आप लोग, ठीक है, ये देखिए एनर्जी परचेज करने की बात नहीं है, आप नहीं समझ रहे हैं। उसमें सोलार पैनल्स फार्म पे क्रिएट किए गए हैं, फार्म के ऊपर ही जो डीजल में पैसा लग रहा है उसको कम करने, दैट्स इट, ठीक है। और जिन्हें चाहिए होगा दूसरे फार्मर्स को, वो लोग आपस में एक्सचेंज करेंगे, एनर्जी सप्लाई होगा, पैसे मिल जाएंगे, कहीं और सप्लाई नहीं करना है। इट्स ऑल अबाउट टू मेकिंग सेल्फ सस्टेनेबल फार्मर, सेल्फ सस्टेनेबल फार्मिंग, यस, एक फार्मर जो अपने सारी जरूरतें फार्म पे पूरी कर सके एनर्जी रिलेटेड, दैट्स इट। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नारकोंडम आइलैंड्स, ठीक है, नारकोंडम आइलैंड्स मार्क कर लीजिए। नारकोंडम आइलैंड पे ये हॉर्नबिल, हॉर्नबिल एक बर्ड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा बर्ड, इसका बीक बहुत बड़ा, ये देखिए बिग बर्ड, बिग स्पीसीज, बीक इज वेरी 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 थिक एंड लॉन्ग, कंसीट है, ठीक है, जितने का जितना शरीर नहीं है उतना बीक है, ठीक है। इसे कहते हैं हॉर्नबिल, हॉर्नबिल ये स्पेशल वैरायटी है बर्ड का, ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाता है, ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट, ये देखिए क्लियर। और ये देखिए हॉर्नबिल ये बर्ड, एक इसके बहुत सारे स्पीसीज हैं इंडिया में, है बोलो, इसके बहुत सारे, डोंट वरी मैं नारकोंडम मार्क करवाऊंगा, चिंता मत कीजिए। हॉर्नबिल्स आर वैरायटी ऑफ बर्ड्स, यस, देयर आर 9 वैरायटीज ऑफ हॉर्नबिल्स इन इंडिया, 9 हॉर्नबिल स्पीसीज इन इंडिया, ऑफ विच 4 आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स। ये देखिए, ये देखिए नारकोंडम मार्क करवाएंगे, चिंता मत कीजिए, पहले बर्ड देख लीजिए ना, पहले बर्ड ये कह रहा है कि मेरे बारे में पहले पढ़ लो, ठीक है, फिर नारकोंडम मार्क कर लेना। 9 टाइप्स ऑफ हॉर्नबिल्स, ठीक है, ये देखिए इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, ये देखिए एंडेमिक टू इंडिया, मलाबार ग्रे हॉर्नबिल एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, ये देखिए मलाबार पाइड हॉर्नबिल एंडेमिक टू इंडिया एंड श्रीलंका, ये देखिए, एंड ग्रेट हॉर्नबिल, ये देखिए ग्रेट हॉर्नबिल, ये देखिए ये 4 वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, 9 में से ये 4 वेस्टर्न घाट्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये नोट कर लीजिएगा पीडीएफ में से, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, ठीक है, एंडेमिक टू इंडिया, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल ओनली वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, मालाबार पाइड हॉर्नबिल एंडेमिक टू इंडिया एंड श्रीलंका, ये देखिए, ठीक है, एंड ग्रेट हॉर्नबिल, ये 4 वराइटीज वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। क्या ये क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स में यस कर बता दीजिए बच्चा लोग, हम लोग आगे देखें। और इसके अलावा एक स्पीसीज ऐसा है, अब सर बाकी 4 बाकी 5 कहाँ पाए जाते हैं, उसमें एक अंडमान निकोबार में, ये देखिए अंडमान निकोबार में नारकोंडम हॉर्नबिल ओनली फाउंड इन नारकोंडम आइलैंड, ये देखिए, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट, नारकोंडम हॉर्नबिल। और रिमेनिंग 4 कहां पाए जाते हैं, अरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, रिमेनिंग 4 आर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लेकिन इसमें सबसे क्रूशियल है नारकोंडम हॉर्नबिल, सबसे क्रूशियल, क्योंकि ये एंडेमिक है, केवल एक ही आइलैंड पे पाया जाता है पूरे इंडिया में, एक ही जगह पे, एक छोटा सा आइलैंड, ये देखिए यहां पे है बोलो, दिस आइलैंड नारकोंडम आइलैंड, ये देखिए अंडमान निकोबार में, मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स यहां पे नारकोंडम आइलैंड। यस यस, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल चंडीगढ़ का स्टेट बर्ड है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओके, दे कैन मेक होल इन द ट्री बाय देयर बीक, ओके वेरी गुड, ठीक है। तो ये देखिए नारकोंडम आइलैंड मार्क हो गया स्टूडेंट्स, टेल मी तो ये जरूर से मार्क कर लीजिए नारकोंडम आइलैंड, ठीक है। और मुझे यस कीजिए चैट बॉक्स में, तो हम लोग आगे देख लें।
तो ये नारकोंडम आइलैंड एक डोरमेंट वोल्केनो है, डोरमेंट वोल्केनो, ठीक है, नोट कीजिए पहला पॉइंट, इट्स अ डोरमेंट वोल्केनो। यस, ये अभी इरप्ट नहीं किया रिसेंट टाइम्स में। एक बैरन आइलैंड है, ये एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो, इसे याद रखिएगा, ठीक है, ये रिसेंट टाइम्स में इरप्ट किया है, मार्क कर लीजिए। क्लियर? तो नारकोंडम आइलैंड सबसे ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड है इंडिया का, ये देखिए, सबसे ईस्ट में लोकेटेड, इससे पूरब में कोई आइलैंड नहीं लोकेटेड है। ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, दिस कैन कम इन यूपीएससी प्रीलिम्स, ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया इज नारकोंडम आइलैंड। यस, ठीक है, यस यस, टेस्ट सीरीज प्लस पे साथ में रहेगी, ठीक है। तो ये देखिए नारकोंडम आइलैंड के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन, ये देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड, शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, ठीक है, अंडमान आइलैंड्स नॉर्थ में, निकोबार आइलैंड साउथ में, बीच में एक वाटर बॉडी, 10 डिग्री चैनल, ये देखिए 10 डिग्री चैनल, ये देखिए, क्लियर इतना? टेल मी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आगे नारकोंडम के बारे में और भी कुछ, द बैरन एंड नारकोंडम आइलैंड्स आर वोल्केनिक आइलैंड्स, ठीक है, और ये नारकोंडम डोरमेंट वोल्केनो और बैरन आइलैंड एक्टिव वोल्केनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप बोलिए ठीक है सर, आपने अंडमान निकोबार अच्छे से पढ़ा दिया, अब आगे बताइए सर, ठीक है, अब बिना देरी किए आगे बताइए, हॉर्नबिल पे क्या पढ़ना है? ये देखिए हॉर्नबिल पे ये आया है, लाइव मिंट का न्यूज आया है, और मैंने इसको ये देखिए ये कटआउट किया, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है कुछ, अंडमान सी में, ध्यान दीजिएगा, क्या अंडमान सी में लोकेटेड है नारकोंडम आइलैंड? नोट दिस थिंग्स, इज नारकोंडम आइलैंड इन द अंडमान सी? यस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये देखिए सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स, हैव अ लुक, 7 लाख ईयर्स बैक इट वॉज फॉर्म्ड, 7 लाख ईयर्स बैक इट वॉज फॉर्म्ड व्हेन वोल्केनो एरप्टेड, ये वोल्केनिक आइलैंड है, वोल्केनिक आइलैंड, इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, वोल्केनो था यहां पे अंडर द सी, ठीक है, इट एरप्टेड और इसके लावा से यहां पे ये आइलैंड बन गया इस जगह पे, दैट्स इट, बहुत छोटा आइलैंड है, ध्यान दीजिएगा, इट्स वेरी स्मॉल आइलैंड, इट्स ओनली 6.8 स्क्वायर किलोमीटर्स, यस 6.8 किलोमीटर स्क्वायर, ये छोटा सा द्वीप है, ठीक है। 7 लाख ईयर्स बैक इट वॉज फॉर्म्ड, वोल्केनिक आइलैंड है, ठीक है, वोल्केनो से बना है, इतना याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इस जगह पे केवल एक स्पीसीज बहुत ज्यादा तादाद में, नंबर्स में पाया जाता है, दैट इज नारकोंडम का हॉर्नबिल, नारकोंडम का हॉर्नबिल बर्ड, ये वर्ल्ड में और कहीं नहीं पाया जाता है, नारकोंडम हॉर्नबिल इज Not found anywhere in the world. That's it. ठीक है, नारकोंडम हॉर्नबिल, इट्स एंडेमिक टू ओनली नारकोंडम आइलैंड्स, इसके अलावा ये कहीं नहीं जाते हैं, दे आर वेरी लेजी, ठीक है, आप मीन्स कहते हैं रिलेट करने लिए आप कह सकते हैं, ये अपने घर को छोड़कर नहीं जाते हैं, दे आर वेरी होम सिक बर्ड्स, दे आर ओनली फाउंड इन नारकोंडम आइलैंड, कितनी संख्या इनकी? 1000 के आसपास, दैट्स इट। अब यहां पे ये रिसर्च जो अभी जो आप पढ़ रहे हैं, ये क्या पुटअप कर रहा है यहां पे, ये नारकोंडम में बहुत डेंस वेजिटेशन है स्टूडेंट्स, वेजिटेशन, और उसी के पीछे रिसर्च चालू हुआ, रिसर्च कि ये वेजिटेशन आया कहां से, ये वोल्केनिक आइलैंड है, यहां इतना डेंस वेजिटेशन आया कहां से, ठीक है। यस यस, सेम एज यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ठीक है, घर के अंदर बंद है, ये नारकोंडम घर है इनका, ठीक है। तो वेजिटेशन पे रिसर्च, ठीक है, चालू हुआ यहां पे, एंड देन इट वॉज रियलाइज दैट दीज बर्ड्स फीड अपॉन फ्रूट्स, बिग फ्रूट्स, यस बिग फ्रूट्स, ये फ्रूट्स के सीड्स को डिस्पर्स करने का बहुत अच्छा इनका एक फंक्शन है, सीड्स डिस्पर्सल। टेल मी स्टूडेंट्स वन थिंग, फ्रूट्स पे, ये फ्रूट्स इनका मेजर भोजन है, ठीक है, तो क्या फ्रूट्स के सीड्स को ये डिस्पर्स करते होंगे अपने एक्सक्रीटा के थ्रू अक्रॉस द, जहां जहां ये विजिट करते होंगे? यस, और यही डिस्पर्सल इन्होंने किया नारकोंडम में।
बस यही न्यूज़ है, नारकोंडम आइलैंड्स में वेजिटेशन इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज बर्ड्स, जितने प्लांट्स हैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दीज बर्ड्स, जितना डेंस वेजिटेशन इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दीज बर्ड्स। दीज बर्ड्स ध्यान दीजिएगा केम फ्रॉम इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के ये बर्ड्स थे, यहां पे आए और यहीं पे रह गए फिर। यस, अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इन दीज बेल्ट्स। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, क्या यही सिद्धांत है डार्विन का? टेल मी, चार्ल्स डार्विन एवोल्यूशन थ्योरी, टेल मी। डिस्पर्सल मीन्स स्प्रेड करना, स्प्रेड करना, बीज सीड्स, आई सपोज यू गॉट द क्रक्स, इसी पे रिसर्च आया है, ठीक है। और यहां से एक सवाल तो निकलता है, नारकोंडम आइलैंड इज द ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, ट्रू स्टेटमेंट। नारकोंडम आइलैंड इज अ डॉर्मेंट वोल्केनो, ट्रू स्टेटमेंट। इट कंटेन्स ओनली बिग बर्ड्स, ट्रू स्टेटमेंट, ओनली बिग बर्ड्स इन नारकोंडम, छोटी पक्षियां नहीं पाई जाती है वहां पे, साइज में छोटे पक्षी नहीं पाए जाते हैं, बिग बर्ड्स। एंड उसमें एक एंडेमिक स्पीसीज नारकोंडम हॉर्नबिल, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स, नारकोंडम हॉर्नबिल। अब रिसर्च चल रहा है कि ये कब आए हैं वहां से, इंडोनेशिया से, ठीक है। रिसर्चर्स अब आगे बढ़ गए हैं और गए थे पहले यहां पे, दिस क्या कहते हैं, नारकोंडम आइलैंड पे, अब चले गए इंडोनेशिया, वहां रिसर्च चल रहा है कि कैसे वहां से कब आए थे, कब माइग्रेट किए थे, क्यों माइग्रेट किए थे, ठीक है। इनके ओरिजिनल एंसेस्टर्स इंडोनेशिया में हैं, लेकिन व्हाई डिड दे माइग्रेट, यही बस सवाल है अभी एट प्रेजेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, टेल मी। तो यहां से क्या उठाना है आपको पॉइंट, ये देखिए गलत यहां टॉपिक आ गया भाई, ये है नारकोंडम हॉर्नबिल, ये कल का ही टॉपिक आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, दोनों कितने अलग अलग टॉपिक्स, ये देखिए, ठीक है। यहां क्या लिखना है आपको, नारकोंडम इज द, ठीक है, नारकोंडम इज द ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकंड, इट्स अ डॉर्मेंट वोल्केनो, यस, ठीक है, ठीक है। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, दिस क्या कहते हैं, इट हैज ओनली प्रेजेंस ऑफ बिग बर्ड्स, और बिग बर्ड्स में एक ही बर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, नारकोंडम हॉर्नबिल, और ये एंडेमिक है केवल इसी आइलैंड पे, और कहीं नहीं पाया जाता, इसे याद रखिएगा, पूरे विश्व में, ठीक है। आप अपने घर भी लाइएगा इसको, ये वापस वहीं जाएगा, इसको वहीं रहना है, ठीक है, इस चीज को इतना नोट कर लीजिए, दैट्स इट स्टूडेंट्स। और जू ऑप्शनल, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल, जो भी जिनके भी क्या कहते हैं, दिस एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, जू ऑप्शनल, एग्रीकल्चर ऑप्शनल, जिनको भी एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ना है, ठीक है, चार्ल्स डार्विन का जरूर से ये पुट कीजिएगा सर्वाइवल ऑफ फिटनेस थ्योरी में, नारकोंडम हॉर्नबिल वैल्यू एडिशन। चलिए आगे बढ़ जाएं बच्चा लोग, आइए देखते हैं आगे, ठीक है, लेट्स सी अगला न्यूज क्या है। ये तो देखिए अब क्या कहा जाए, अब ये न्यूज रोज आ रहा है, ठीक है, इंडिया रिकॉर्ड्स एंड दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, म्यूटेंट स्ट्रेन्स आर राइजिंग अप इन द कंट्री, दिस एंड फॉर दिस म्यूटेंट स्ट्रेन्स, इसी पे आज एडिटोरियल भी आया, इंडिया रिकॉर्ड्स 89,000 प्लस फ्रेश केसेस, हाईएस्ट इन 6 months, द सेकेंड वेव हैज बिगन एंड दिस वेव इज क्लाइंबिंग अप लाइक एनीथिंग, क्लाइंबिंग अप लाइक एनीथिंग। सेशन और आधे घंटे चलेगा, शनिवार का दिन है, इतना तो आप मेरे लिए पुट अप कर सकते हैं अपने टाइम में से, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस जगह पे इंडिया रिकॉर्ड्स, तो ये बस इस पे हम एडिटोरियल देखेंगे, अभी आगे बढ़ चलते हैं, ठीक है, तो आपको पता ही है न्यूज, ठीक है। लॉकडाउन पुणे में स्टार्ट हो गया, मीन्स लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है 6 PM to 6 AM, ठीक है, थोड़ा बढ़ाया गया कर्फ्यू का टाइम, नाइट कर्फ्यू का, बिकॉज शाम को ही अच्छी खासी भीड़ होती है कहीं पे भी, ठीक है। और ये देखिए, एट रिकॉर्ड हाई GST मॉप अप टॉप्स 1 lakh crore मार्क फॉर 6 months इन अ रो, GST में रेवेन्यूज बढ़ने शुरू हो गए हैं। टेल मी स्टूडेंट्स, ये कल का ही न्यूज था इंडियन एक्सप्रेस का, क्या ये अच्छा न्यूज है सरकार के लिए, इज इट अ वेरी गुड न्यूज फॉर द गवर्नमेंट्स, यस, क्या इससे सरकार का रिसीट बढ़ेगा, टेल मी स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट रिसीट्स विल गो अप, एग्री कर रहे हैं, यस, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स, क्या इससे फिस्कल डेफिसिट कम होगा, टेल मी, फिस्कल डेफिसिट कम होगा, यस, दैट्स इट, तुरंत ये पॉइंट, गवर्नमेंट रिसीट्स अप, फिस्कल डेफिसिट डाउन, ठीक है, इज इट अ गुड न्यूज फॉर द गवर्नमेंट, वेरी गुड न्यूज,
ठीक है, बोथ फॉर सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। जैसे आप अपने यूपीएससी के रिजल्ट के लिए वेट करते हैं ना, ठीक है, या आप अभी वेट करते हैं कितना पैसा पापा देंगे इस मंथ पॉकेट मनी, वैसे ही अभी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स वेट करते हैं कितना रेवेन्यूज कितना रिसीट्स आएगा। 1 लाख करोड़, ठीक है, जीएसटी में आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में। इट्स अ बिग बिग थिंग फॉर इंडिया, ठीक है। दिस शोज वन थिंग दैट कंप्लायंस इज पिकिंग अप, एग्री कर रहे हैं, कंप्लायंस लोग टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। और ये आगे चलकर इकोनॉमिक रिकवरी हो जाएगा, रैपिड इकोनॉमिक रिकवरी। ये शो कर रहा है ग्रीन शूट्स फॉर द इंडियन इकोनॉमी, ग्रीन शूट्स, ठीक है। ग्रीन शूट्स का मतलब क्या है? अच्छा न्यूज। आइए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला न्यूज ये देखिए, मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट सेट टू गेन इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस। मिलेट्स, मिलेट्स ग्रासेस, ये देखिए यहाँ पे मिलेट्स, देखिए इंडियन मिलेट्स, बाजरा, रागी, जवार, सुनाया आपने? टेल मी स्टूडेंट्स, मिलेट्स क्या? ये मिलेट्स, इन मिलेट्स को सुपर क्रॉप्स कहते हैं। और आज एक इंटरव्यू आया है द हिंदू में, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन दिस ईयर ओवर मिलेट्स। लेट मी टेल यू, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिसको देने में आपको परेशानी महसूस हो, ठीक है। मैं बस स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कहता हूं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, आप किसी और पे बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आप ही को पे करना है, जिसके ऊपर लगाया गया वही पे करेगा। ये नहीं कर सकते कि मेरे बदले मेरे पापा पे कर देंगे, ठीक है, या मेरा दोस्त पे कर देगा। नो, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स आपके इनकम पे लगाया जाता है और कैश में लिया जाता है, ठीक है। कॉरपोरेशन टैक्स कंपनीज के प्रॉफिट में लगाया जाता है, डायरेक्टली लिया जाता है, ठीक है। अब ये जीएसटी जो है ना, जीएसटी सर्विसेज टैक्स, गुड्स टैक्स, ये कौन पे करता है? फॉर एग्जाम्पल, कौन पे करता है? कंपनीज पे करती हैं। और किससे लेती हैं टैक्स? आपसे, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है दे आर शिफ्टिंग द बर्डन। यस, सी दिस, कंपनी जमा करेगा ये, ठीक है, कंपनी ये टैक्स जमा करेगा सरकार को, लेकिन कंपनी आपसे लेगा। कैसे? आपको बिस्लेरी का बोतल बेचा, ठीक है, आपको चाय चाय का एक पैकेट बेचा, टी का एक, कॉफी का पैकेट बेचा, उस पर लिखा गया MRP इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ GST। एग्री कर रहे हैं? आपने टैक्स पे किया, ठीक है, क्लियर। आपने टैक्स पे किया, आपको पता ही नहीं चला, ठीक है, आपको पता ही नहीं चला, ठीक है। आपको लगा बिस्लेरी बोतल 20 रुपए में पानी पी रहा है, ठीक है, क्या मस्त पानी है, कोई टैक्स नहीं लग रहा, ठीक है। आपको लगा आप चाय पी रहे हैं, क्या मस्त चाय है, कोई टैक्स नहीं है, टैक्स ले लिया गया, पता ही नहीं चला है आपको, ठीक है। यस यस, बिल्कुल, ये आया था केस स्टडी इसके पहले, ठीक है। अब देखिए, इकोनॉमी रिकवर होने से टैक्स तो कम होते हैं, लेकिन ये इकोनॉमी रिकवरी कितना होता है तो टैक्स कम होते हैं। लगभग 50-60 साल का इकोनॉमिक रिकवरी होना चाहिए, ठीक है, टैक्सेस लेकिन ग्रेजुअली कम होने चाहिए। देखिए, कंप्लायंस पे डिपेंड करता है सब कुछ, जितने लोग टैक्स पे करेंगे ऑनेस्टली उतना टैक्स कम होगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स पे करने में परेशानियां क्यों होती हैं, ठीक है। अरे बहुत परेशानी होती है, ठीक है, आपके पॉकेट में आप 100 रुपये लेकर आ रहे हैं, किसी ने कहा 20 रुपये दे दो, तो आपको परेशानी होगी कि नहीं, बताइए। डायरेक्ट टैक्स पे करने में बहुत परेशानियां होती हैं सबको। तो हैव अ लुक, मिलेट्स, मिलेट्स के ऊपर सवाल आएगा, मिलेट्स के ऊपर सवाल आएगा। ये देखिए, जवार, बाजरा, रागी, टेल मी स्टूडेंट्स, क्या इसे कोर्स ग्रेन्स कहते हैं? कोर्स ग्रेन्स, इसके दाने बड़े होते हैं, ठीक है। एंड टेल मी स्टूडेंट्स, क्या ये हमारे कल्चर में इंटीग्रेटेड है? कल्चर में इंटीग्रेशन, टेल मी, ठीक है, कल्चर में इंटीग्रेटेड है ये, यस। लेकिन ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, फिर आया व्हीट राइस सिस्टम, व्हीट राइस सिस्टम, और आज की तारीख में तो गांव से भी हट गया मिलेट्स, ठीक है। सम बेल्ट्स इट्स स्टिल प्रेजेंट, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इट्स स्टिल प्रेजेंट, लेकिन इन 3 स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी यूपी बिहार में अपने गांव में आप देख लीजिए, एक्सेप्टेंस कम हो गया है मिलेट्स का, गांव के लोगों में भी। एग्री कर रहे हैं? मिलेट्स का एक्सेप्टेंस कम हो गया, देयर ग्रासेस जहां से निकलते हैं
ये देखिए कोर्स ग्रेन्स, ये देखिए बाजरा, मिलेट्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ग्रासेस गिविंग अस सम कोर्स ग्रेन्स। ये देखिए बाजरा, ये देखिए जवार, सोरघम, रागी, ये देखिए प्रोडक्शन है। आप नहीं समझ रहे हैं, प्रोडक्शन है, कंजम्पशन रिड्यूस हुआ है। एग्री कर रहे हैं मुझसे? अगर एग्री करें तो बताइएगा। प्रोडक्शन इज देयर, आई एम नॉट सीइंग प्रोडक्शन इज नॉट देयर, प्रोडक्शन इज देयर, इंडिया इज रैंक वन इन प्रोडक्शन, कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली इन द हाउसहोल्ड्स, स्पेशली अर्बन हाउसहोल्ड्स, डू यू एग्री? ये देखिए प्रोडक्शन रैंक वन, कंजम्पशन इंडिया का बहुत पीछे चलता चल रहा है। देखिए अब कोई भी जवार, ठीक है बाजरा, रागी, मींस ठीक है हो रहा है, जाकर बेच देंगे मार्केट में, खाने में कोई इस्तेमाल नहीं करा, जबकि ये सबसे ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट्स हैं हमारे लिए। ठीक है, दे आर सुपर क्रॉप्स, यू कैन सी इट हियर, सुपर क्रॉप्स। और पता है फिर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो आपने कहा ठीक है सर ये सेल ऑफ किया जा रहा है, तो सर फिर इसके बाद सर क्या अभी क्यों बढ़ रहा है इसका एक्सेप्टेंस? ये देखिए अब एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। 2023 में 2023 यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड एज ईयर ऑफ मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, यानी वही मिलेट्स, बाजरा, जवार, रागी पैकेट में आएगा, पैकेट में आ रहा है तब आप खरीदिएगा। ठीक है, उस पर स्टैंप लगा हो, यूएस के लोग खा रहे हैं तो आप खरीदिएगा, यानी वेस्टर्नाइज होके सेम थिंग्स आर कमिंग अप, वी आर टेकिंग इट, एंड व्हाट वाज देयर इन आवर कल्चर वी आर लीविंग इट। डू यू एग्री? स्पेसिफिकली ऑफ द अर्बन बेल्ट आई एम टेकिंग दिस टॉपिक। ठीक है, यही हो रहा है स्टूडेंट्स, उसको पैकेट में पैक कर दिया, स्टैंप लगा दिया, पैसा बढ़ा दिया, तब लगा अच्छा अब तो इसके अंदर कुछ अच्छी चीज है। ठीक है, ठीक है, अब इसके अंदर 50 रुपए की चीज है, बस अच्छी चीज है ये। ठीक है, 10 रुपए का मिल रहा था, क्या मिल रहा था नहीं पता है, सेम चीज को पैकेट में पैक करके बेच दिया। अब यूएन ने कहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, बिकॉज यूएन सेज इट्स अ सुपर क्रॉप, सुपर क्रॉप, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, इसके बिना आपको फूड क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो सकती, फूड क्वालिटी यस, एंड फूड सिक्योरिटी यस। ठीक है, फूड सिक्योरिटी, ये देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, दैट नीम का, दातुन का, ठीक है, दैट इट्स अवेलेबल अपॉन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स इन पैकेट्स, नीम, दातुन, ठीक है, वो तो यूएस बहुत आगे चला गया था ये बताते हुए कि नीम हमारे यहाँ ही ग्रो होता है। ठीक है, नीम एक नया क्रॉप आया है, नीम, मैंने कहा नया क्रॉप है, कब की बात है? यूएस ने कहा 1980s 90s, इन्होंने कहा हमारे यहाँ पता नहीं कब से ग्रो रहा है, घर घर में नीम है हमारे यहाँ। ठीक है, तब मालूम चला कि ओके इंडिया में नीम है। ठीक है, यूएस अब पैकेट में उसको नीम दातुन को पैकेट में डालकर बेच रहा है 700 रुपीज पैकेट, 10 दातुन, दैट्स इट। देन वी केम टू रियलाइज ओके नीम दातुन भी बिकता है 70 रुपए का एक। ठीक है, यहां कोई पेड़ से तोड़ के दे रहा है तो आप फेंक रहे हैं, वो 70 रुपए वाला आप खरीद रहे हैं, गेटिंग द पॉइंट? तो ये देखिए स्टूडेंट्स, द सेम थिंग विद मिलेट्स। ये देखिए मिलेट्स आर अ ग्रुप ऑफ हाईली वेरिएबल स्मॉल सीड ग्रासेस ग्रोन अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, फॉर ह्यूमन फूड एंड ऑल्सो फॉर फॉडर फॉर द एनिमल्स। और इसका कब से इसकी हिस्ट्री है, ध्यान दीजिएगा, इंडिया में वैदिक काल से इसकी हिस्ट्री है, वैदिक काल से, इसे याद रखिएगा, वैदिक काल से वैदिक पीरियड से इसकी हिस्ट्री है मिलेट्स ग्रो करने की। And millets were a major grain grown in India 50 years back, and then it was a major grain. ध्यान दीजिएगा, ठीक है, and then something called as green revolution came up, and green revolution removed the millets from the fields. Agree कर रहे हैं बच्चा लोग, बताइए, agree कर रहे हैं? It removed the millets from the field. Green revolution का another important impact, negative impact. Yes. ग्रीन रेवोल्यूशन को इसलिए कहते हैं ग्रेन रेवोल्यूशन, डू यू एग्री? ग्रेन रेवोल्यूशन, इसको एक और नाम दिया गया, निकनेम, वीट राइस रेवोल्यूशन, सुना है आपने, वीट राइस रेवोल्यूशन, क्योंकि इसी दो क्रॉप्स का बढ़ा है प्रोडक्शन और किसी क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, और यही वजह है कोर्स ग्रेन्स मिलेट्स वेंट अवे फ्रॉम आवर फूड, दैट्स इट।
हमारे प्लेट से हट गया ये। और ये देखिए यहां लिखा हुआ है, ठीक है, 2023 इट विल बी ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है, और इंडिया ने प्रपोजल सेंड किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को इसी चीज के लिए, ठीक है। कंट्री हैज एंजॉयड अ रिच एसोसिएशन विद मिलेट्स, आवर कंट्री इंडिया, येट ग्रीन रेवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट अ चेंज, नाउ वी वॉन्ट टू गो बैक टू मिलेट्स, मिलेट्स पे वापस जाने का मन कर रहा है अब हमारा, ठीक है, इंडिया का। क्यों मन कर रहा था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट, मिलेट्स आर ड्रॉट रेजिस्टेंट, सूखा ग्रसित क्षेत्र में होते हैं, क्या ये क्रिटिकल पॉइंट है स्टूडेंट्स, टेल मी, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, यस। सेकंड पॉइंट, दे कैन ग्रो इन पुअर सॉयल्स आल्सो, कैन ग्रो इन पुअर सॉयल्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा इसके अलावा लो रेनफॉल बेल्ट, इनफर्टाइल सॉयल, ठीक है, ऑल्सो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, यस, दे कैन ग्रो। कोर्स ग्रेन, बड़े साइज के दाने, ठीक है, कोर्स, CORSE, ठीक है। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, दे आर नॉन एलर्जिक, यस, वीट इज एलर्जिक, लेट मी टेल यू, वीट में एलर्जेंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कुछ ग्लूटेन सुना है आपने, ग्लूटेन फ्री डाइट दिया जाता है, कितने लोग वीट से एलर्जिक हो गए हैं, ठीक है, तो नॉन एलर्जिक। फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, टेल मी वन थिंग, विदाउट फर्टिलाइजर दे कैन ग्रो विद मिनिमम, मीन्स दे कैन ग्रो इन ऑर्गेनिक वे, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज पॉसिबल, एग्री कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, दैट्स इट। इसीलिए कहा जा रहा है ड्रॉट रेजिस्टेंट ग्रोज इन पुअर सॉयल्स, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, नॉन एलर्जिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ग्लूटेन फ्री डाइट आप आज जाकर देखिएगा क्या होता है, ठीक है। और ये देखिए उसके बाद, टेल मी स्टूडेंट्स, क्या ये मिलेट सप्लाई हो सकते हैं पीडीएस में भी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, टेल मी, क्या ये वीट और राइस साथ मिक्स करके मल्टीपल ग्रेन्स दिए जाते हैं, मल्टीपल ग्रेन्स, टेल मी, मल्टीपल ग्रेन आटा आप खाते होंगे ना, ठीक है, अब देखिए मल्टीपल ग्रेन आटा आप खा रहे हैं, मल्टीपल ग्रेन फ्लावर, ठीक है, बट अलग से मिल रहा है, यू आर नॉट टेकिंग इट, परचेसिंग इट, तो मल्टीपल ग्रेन फ्लावर कहा जा रहा है, इट्स बेस्ट फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम, एग्री, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लास विल स्टॉप इन 10 मिनट्स मोर, दैट्स इट। तो इंडिया का क्या मिलेट मिशन इंडिया ने लॉन्च किया, इंडिया का मिलेट मिशन लॉन्च्ड 2007, इसे याद रखिएगा, इंडिया ने मिलेट मिशन लॉन्च किया था 2007 में, लेकिन अभी तक उतना फोकस नहीं आ पाया, ठीक है, क्लियर है बच्चा लोग, बताइए क्लियर है। ये देखिए पूरा इंपॉर्टेंस मैंने यहां पे अटैच किया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, इंपॉर्टेंस ऑफ मिलेट्स, जरूर से इसे पढ़िएगा, टेक आउट द पॉइंट्स, दे वर कॉल्ड सुपर ग्रेन्स, ये देखिए बेटर हेल्थ के लिए, ये देखिए, ठीक है, इसे जरूर से पढ़िएगा स्टूडेंट्स। एक सवाल यहाँ बनता है, यहाँ पे एक सवाल तो बनता है, एक सवाल लिखिए यहाँ पे, एस्टैब्लिश द इंपॉर्टेंस ऑफ मिलेट्स, मिलेट्स फॉर द रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर, फॉर द रिवाइवल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, 10 marks, 150 words, इंडियन एग्रीकल्चर रिवाइव, रिजुनेट हो सकता है मिलेट्स के ग्रोथ से, मिलेट्स प्लांट करने से, ठीक है, और इनकी अगर सटीक मार्केटिंग कर दी गई, मार्केटिंग, तो अच्छे से अच्छे पैसे मिल सकते हैं किसान को, ठीक है, क्लियर। जितना मिलेट्स, देखिए मिलेट्स पे केवल आज इतना ही आर्टिकल आया था, ये वाला, ठीक है, मैंने पूरा भारत सरकार के वेबसाइट खंगाल कर डाल दिया इस जगह पे, ठीक है, ये देखिए कंप्लीट, उठा लीजिएगा पॉइंट्स यहाँ से। आई रिपीट द क्वेश्चन, एस्टैब्लिश द इंपॉर्टेंस ऑफ मिलेट्स फॉर द रिवाइवल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, 10 marks, 150 words, जरूर से इसको अटेम्प्ट कीजिए। आइए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स, आज का रैपिड फायर ब्रिस्क इंटरलिंकिंग सेक्शन, ये आपको होमवर्क में देता हूं, हर
हर बार ठीक है। तो ये देखिए, कल ही मैंने ये होमवर्क दिया था, ओपेक प्लस ग्रुप, क्या ये अभी आपने पढ़ा ओपेक ग्रुप के बारे में? टेल मी, वो अभी भी बोल रहा है कि सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, सप्लाई हम कैप करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, IL&FS सेल्स 49% स्टेक इन चाइनीज रोड एसेट। IL&FS इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये क्या था स्टूडेंट्स? मैंने ये पढ़ाया था आपको और मैं फिर से PDF अटैच कर दूंगा। दिस वॉज अ फर्म, ये एक फाइनेंशियल फर्म थी, ठीक है, ये एक फाइनेंशियल फर्म, पैसा सप्लाई करने की फर्म, ठीक है, जिसको इंडिया के बैंक्स ने स्टैब्लिश किया था, फेल कर गया, ये एनपीए हो गया इसका सारा लोन, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो सबने ध्यान दीजिएगा, एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो गया सारा लोन IL&FS का। अब इसी वजह से ये फेल किया ना, ये बैंक का इंस्टीट्यूशंस था, इट वाज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द बैंक्स, बैंक्स SBI LIC ये सब साथ में आकर बनाए थे इसे, ठीक है। अब द गवर्नमेंट इज गोइंग फॉर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, DFI, हैव यू हर्ड द नेम? टेल मी स्टूडेंट्स, इट्स द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, हैव यू हर्ड द नेम? गवर्नमेंट गवर्नमेंट ओन्ड दिस इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सुना होगा आपने, ठीक है। उसके अलावा देखिए, चाइल्ड अमंग फोर डेड इन कैलिफोर्निया ऑफिस शूटिंग, कैलिफोर्निया के बाहर में फिर से गन वायलेंस, ये क्या यूएस में क्या चल रहा है, क्या परेशानी की बात है? टेल मी, क्या यूएस इज हैविंग प्रॉब्लम्स? दिस इज शोइंग इंक्रीज्ड वायलेंस इन द यूएस, यस, मे बी रेशियल एरोगेंस ऑल्सो, रेशियल एरोगेंस, ठीक है, बहुत परेशानी की बात है। यूएस में ऐसा तीसरा इंसिडेंट 2 हफ्ते में, ये बहुत परेशानी की बात है। एंड डोंट यू थिंक इट्स अ बिग बिग, क्या कहते हैं, ये एक शो कर रहा है, एक नेगेटिव है, इंपैक्ट दे रहा है इमिग्रेशन पे, यस, कि वहां जो भी बाहर के लोग जाएंगे और अचानक कोई पता नहीं यूएस का कोई लोकल उठाया गन, शूट कर दिया शुरू, दिक्कत की बात है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स, ये अगला एडिटोरियल है आज का, ठीक है, एडिटोरियल है ये, ध्यान दीजिएगा, अ मिसिंग साइंस पिलर इन द कोविड रिस्पॉन्स। बस 4 पॉइंट्स जरूरी हैं यहाँ पे, 4-5 पॉइंट्स कि कोविड रिस्पॉन्स में इंडिया इंडिया क्या मिस कर रहा है, तो लिख लीजिए अभी, ठीक है, क्योंकि अभी सेकेंड वेव आया है, रिसर्जेंस हुआ है सेकेंड वेव का, ये एक चैलेंज है, क्या मिस कर रहा है इंडिया, साइंस पिलर मिस कर रहा है इंडिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हैव अ लुक, बस नोट कीजिए मैं जितना लिखा रहा हूं, ठीक है, हैव अ लुक। तो यहां लिखा हुआ है पहला पॉइंट दिस स्प्रेड ऑफ वेरिएंट्स, देखिए यहां पे एक पैराग्राफ है, ठीक है, ये स्प्रेड ऑफ वेरिएंट्स, इसमें क्या लिखा हुआ है, सम मेजर पॉइंट्स ऑफ द सेकेंड वेव, ध्यान दीजिएगा, सम मेजर पॉइंट्स, ठीक है, ये देखिए सब मेजर पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या, ये सर्ज जो है अभी केसेस में, सर्ज इन केसेस, इज इट बिकॉज ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन्स, म्यूटेंट स्ट्रेन्स, एग्री कर रहे हैं, नोट कीजिए, म्यूटेंट स्ट्रेन्स, यस, ये देखिए यहां लिखा हुआ है, पहला पॉइंट एंड दिस सर्ज इन केसेस इज बिकॉज ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन्स, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहीं पे लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, इंडिया विल नॉट अचीव हर्ड इम्यूनिटी इंडिया में आएगा ही नहीं बिकॉज ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन, दैट्स इट, जो हर्ड इम्यूनिटी कि इतने लोगों को हो जाएगा तो बीमारी नहीं फैलेगी, ये नहीं आने वाला है, क्योंकि इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग म्यूटेंट स्ट्रेन, डू यू एग्री? टेल मी। सेकेंड पॉइंट, इसका मतलब ये पर्सन ये एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज राइट, कि नोशन है ये हर्ड इम्यूनिटी का, एक थिंकिंग है, नहीं हो पाएगा पॉसिबल, इतना म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, अरे आइए कोविड पे देखिए आप लोग, ठीक, कोविड का ये न्यूज देख लीजिए, थर्ड पॉइंट ध्यान दीजिएगा, थर्ड पॉइंट दिस यहां लिखा हुआ है, दिस द सेकेंड वेव मे बी माइल्ड, माइल्ड है, ठीक है,
कैजुअलिटीज में, डेथ में, बट इट्स वेरी हाई ट्रांसमिशन रेट, बट वेरी हाई ट्रांसमिशन. डू यू एग्री? बट वेरी हाई ट्रांसमिशन. यही तीन पॉइंट्स लिखा है इस ऑथर ने यहां. क्या ये क्लियर है स्टूडेंट्स? बताइए मुझे. ठीक है, हैव अ लुक. सम मेजर पॉइंट्स: सर्ज इन केसेस बिकॉज ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन्स, हार्ड इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ म्यूटेंट, हार्ड इम्यूनिटी नॉट पॉसिबल इन इंडिया बिकॉज ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन्स. डबल म्यूटेशन हुआ है वो भी. ठीक है, इंडिया में जो म्यूटेशन हुआ वो डबल म्यूटेशन. ठीक है, यहां का वायरस कहा कि मैं डबल म्यूटेट करूंगा, डबल चेंज करूंगा अपने आप को. ठीक है, ठीक है. और थर्ड, सेकेंड वेव इज माइल्ड बट वेरी हाई ट्रांसमिशन रेट. और फिर ये बता रहे हैं कि साइंस का रोल कैसे यहां पे हो सकता है. अब नोट कीजिए नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ साइंस. इंडिया का रिस्पॉन्स कैसे और अच्छा हो सकता है? पहला पॉइंट ये देखिए. फर्स्ट पॉइंट, डेटा मस्ट गाइड डिसीजंस. यस, डेटा, डेटा शुड बी अवेलेबल टू द पब्लिक. एग्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स? अवेलेबल टू पब्लिक, ये देखिए कैसा डेटा, कैसा डेटा, एक्चुअल डेटा अबाउट द केसेस, एक्चुअल डेटा, कितने डेथ, कितने केसेस. एंड ये साफ साफ लिख रहे हैं, ये मैथमेटिकल मॉडल्स है ना, दे आर अनसर्टेन. सुना है आपने मैथमेटिकल मॉडल्स? टेल मी, कि पीकिंग होगा, ठीक है, पीकिंग होगा, फिर फॉल करेगा. ठीक है, दे आर वेरी अनसर्टेन, ही इज टॉकिंग अबाउट इट. ठीक है, अनसर्टेन है मैथमेटिकल मॉडल्स. ठीक है, वो गैस होता है, प्रेडिक्शन होता है. वायरस गैस के आगे की चीज है, प्रेडिक्शन के आगे की चीज है. वायरस कहता है जिधर तुम प्रेडिक्ट करोगे मैं दूसरी तरफ निकल जाऊंगा. इसका मतलब केवल एक चीज रोल प्ले करता है, पब्लिक को डेटा अवेलेबल कीजिए हर चीज के बारे में कि उनका रोल क्या है इसमें. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट यहां देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये देखिए लिखा हुआ है आर एन डी, ये देखिए, ये देखिए. सेकेंडली, ग्रेटली एक्सपेंडिंग सीक्वेंसिंग ऑफ द वायरल जीनोम. आरएनडी इन वायरल जीनोम सीक्वेंसिंग, क्या ये करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? ग्रेट रिसर्च. ठीक है, बिल्कुल, ये कहा जा रहा है हर जगह जहां जहां बीमारी फैला हुआ है सेकेंड वेव, हर जगह का वायरस का जीनोम निकालकर दोबारा लैब के अंदर चेक. जितना ज्यादा रिसर्च होगा उतना अच्छा, रोल ऑफ साइंस जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा. ठीक है, आरएनडी. थर्ड पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट, अभी तक एज स्पेसिफिक डेटा नहीं आ रहा. एज स्पेसिफिक, शुड इट कम स्टूडेंट्स? टेल मी. बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया है ये, दिस पर्सन इज टेलिंग दैट एज स्पेसिफिक डेटा अब आने का समय हो गया, बिकॉज यंगर पॉपुलेशन अब इफेक्ट हो रही है. दिल्ली में स्पेसिफिकली न्यूज आया दिस टाइम, यंगर पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड. ऐसे सिनारियो में एज स्पेसिफिक डेटा शुड कम अप, कितने लोग, कितने बीमार हैं उसमें, ठीक है, कितने की डेथ हुई है, दैट्स इट. क्लियर? आई रिपीट, रोल ऑफ साइंस, डेटा शुड बी अवेलेबल टू द पब्लिक इंस्टेड ऑफ रिलाइंग अपॉन मैथमेटिकल मॉडल्स. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इंक्रीज्ड आरएनडी ओवर वायरल जीनोम सीक्वेंसिंग. सीक्वेंसिंग ऑफ वायरल जीनोम, वायरस को ले जाकर लैब के अंदर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना क्या है, क्या इसने खुराफात किया है. ठीक है, नया म्यूटेशन क्या किया इसने. थर्ड, एज स्पेसिफिक डेटा शुड कम अप. ठीक है, एज स्पेसिफिक डेटा शुड कम अप, दैट्स इट. तो सेकंड पॉइंट है रिसर्च ओवर वायरल जीनोम, दैट्स इट. जेनेटिक डेटा, दैट्स इट, जेनेटिक्स. एंड फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, यहां लिखा हुआ है एक और भी रिसर्च शुरू होना चाहिए. कैसा रिसर्च? देखिए बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है फोर्थ रिसर्च, व्हाई सम पॉपुलेशंस आर नॉट अफेक्टेड. व्हाई सम पॉपुलेशंस आर नॉट अफेक्टेड, उन पॉपुलेशन के अंदर क्या है that they are not affected. कहाँ का population? वियतनाम. ये कह रहे हैं कि वहाँ के साथ थोड़ा रिसर्च शुरू किया जाना चाहिए. ताइवान एंड थाई, वहाँ पे population बहुत कम impact हुई है, जबकि वो चाइना से नज़दीक हैं उस बेल्ट से. एग्री कर रहे हैं? ठीक है, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, यहां पे इंस्पाइट ऑफ बीइंग क्लोजर टू दैट पार्ट ऑफ चाइना जहां से बीमारी फैली, वुहान बेल्ट से. ठीक है, दीज रीजंस डिडंट एक्सपीरियंस. ये आर्टिकल बता रहा है, ये आर्टिकल में पॉइंट आउट किया गया दैट ये इम्पॉसिबल है कि केवल प्रिवेंटिव स्टेप्स लेकर ही रुक गया है. वहां पे कुछ और भी है, कुछ तो अंदर पॉपुलेशन के अंदर कुछ जीनोम है ऐसा, वहां की जनसंख्या पॉपुलेशन के अंदर कुछ तो जीन्स में कुछ ऐसे चेंजेस हैं
कि वहां की पॉपुलेशन इफेक्ट नहीं हो, एंड दिस कैन ओनली कम वाया आरएनटी। क्लियर है बच्चा लोग? चार पॉइंट्स, रोल ऑफ साइंस, क्या ये लिख लीजिएगा आप लोग, बताइए मुझे, ठीक है। और ये देखिए लिखा हुआ है, इंडिया मस्ट ब्रिंग अप द साइंस पिलर, साइंस पिलर, इसके बिना काम नहीं हो पाए, ठीक है। तो रोल ऑफ साइंस, पहला डेटा अवेलेबल टू द पब्लिक इंस्टेड ऑफ एक्सेसिव रिलायंस अपॉन मैथमेटिकल मॉडल्स। सेकंड, आर एंड डी फोकस, वायरल जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। थर्ड, एज स्पेसिफिक डेटा शुड कम अप नाउ, एज स्पेसिफिक डेटा, यंग पॉपुलेशन, अडल्ट पॉपुलेशन, ओल्ड एज पॉपुलेशन। एंड लास्ट पॉइंट, व्हाई सम पॉपुलेशंस नॉट अफेक्टेड, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड के साथ आरएनडी शुरू की जानी चाहिए। इन शॉर्ट एक सवाल यहां बनता है, साइंस हैज अ वेरी क्रिटिकल एंड सिग्निफिकेंट रोल, क्रिटिकल मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन रिड्यूसिंग द कोविड नाइनटीन रिकरेंट वेव्स, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, ठीक है, रिकरेंट वेव्स, ठीक है। एलाबोरेट साइंस का क्या रोल हो सकता है, आप देखिए, लिखिए यहाँ पे 10 marks 150 words। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ सारे पॉइंट्स, ठीक है। पहले ये सवाल नोट कीजिए, साइंस हैज अ वेरी क्रिटिकल एंड अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन रिड्यूसिंग द कोविड-19 रिकरेंट वेव्स, ठीक है। साइंस हैज अ वेरी क्रिटिकल एंड सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन रिड्यूसिंग द कोविड-19 रिकरेंट वेव, एलाबोरेट, 10 marks 150 words, ठीक है। और ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कोविड रिस्पॉन्स में, ये जो आर्टिकल है मैंने इसके दो डिविजन्स किए हैं। पहला, सम मेजर पॉइंट्स ऑफ सेकेंड वेव, इन्होंने तीन मेजर पॉइंट्स बताए हैं। पहला, सर्ज इन केसेस इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस। सेकेंड, इंडिया विल नॉट अचीव हर्ड इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन्स। थर्ड, सेकेंड वेव इज माइल्ड बट वेरी हाई ट्रांसमिशन। यस, अभी कुछ डेटा आया था कि 1% पता नहीं कितने 400 लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है सेकेंड वेव में, डेटा कहीं मैंने पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। एंड ये देखिए यहाँ पे, एंड रोल ऑफ साइंस क्या रहेगा, यहाँ मैंने लिख दिया, डेटा शुड बी अवेलेबल टू द पब्लिक, नो रिलाइंग अपॉन द मैथमेटिकल मॉडल्स। सेकेंड, आर एंड डी ओवर वायरल जीनोम सिक्वेंसिंग शुड बिगिन। थर्ड, एज स्पेसिफिक डेटा शुड कम अप। एंड फोर्थ, वियतनाम, थाईलैंड एंड ताइवान इंटरनेशनल रिलेशंस कोऑपरेशन शुड कम अप, ठीक है। दैट्स इट, एक एडिटोरियल काफी है। अरे एक एडिटोरियल देखिए, एक चीज बताइए स्टूडेंट्स, मैंने पहले से ही कहा है आपको, ये चार एडिटोरियल पढ़िएगा आप रोज का, टेल मी, ठीक है, यहाँ बताइए, रोज के फोर एडिटोरियल्स, फोर या सिक्स एडिटोरियल, मींस चार एडिटोरियल बड़े बड़े आते हैं, ठीक है, अभी केवल दो आ रहा है, ठीक है, और दो छोटे छोटे कॉलम्स आते हैं, सिक्स, ठीक है, आप पढ़िएगा, लिखिएगा, ठीक है। मुझे बताइए क्या आज के ही टॉपिक के ऊपर आएगा क्या क्वेश्चन, नहीं ना, ठीक है। और ये बताइए, अगर आपने एक साल पढ़ लिया, 360 मान लीजिए 300 days आपने पढ़ा, ठीक, 365 दिन की जगह 300 दिन पढ़ा आपने, कितने हो गए एडिटोरियल्स चलनी एंड कॉलम्स चलनी। अरे उसको याद भी तो करना है, उसको पुट भी तो करना है पेपर के ऊपर, और एक ही टॉपिक के ऊपर बार बार एडिटोरियल्स आते हैं, एक ही टॉपिक के ऊपर, वन टॉपिक ऑलवेज एडिटोरियल्स आर कमिंग अप, ठीक है। आज भी कोविड-19 का मैं बता रहा हूँ, पिछले एक महीने से चार एडिटोरियल मैंने कोविड-19 के स्किप किए, कुछ नया नहीं था, लेट मी टेल यू, कुछ नया नहीं था, आज कुछ नया मिला इसलिए मैंने पुट अप किया। साइंस के ऊपर आज ये एडिटोरियल है, नॉट ओवर कोविड-19, इट्स साइंस, साइंस हैज अ रोल टू प्ले इन काउंटरिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, इसलिए मैंने ये एडिटोरियल उठाया। अब ये बताइए, 1800 एडिटोरियल पढ़िएगा, 2000 पढ़िएगा, आप एडिटोरियल मास्टर बन जाइएगा, ठीक है, ठीक है, बट विल यू बी एबल टू पुट इट अपॉन द पेपर, टेल मी, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू आर रीडिंग, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू आर पुटिंग बैक अपॉन द पेपर, यस, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब एक ही चीज बार बार एडिटोरियल में पढ़े हुए, कॉपी भर रहे हैं, चिंता की बात है, ठीक है। बस इसीलिए मैं कहता हूं,
लिमिटेड पढ़िए लेकिन उसको पेपर पर डालिए वहां पे, ठीक है। मैंने क्या कहा, आप दिन, आप रोज का एक एडिटोरियल पढ़िए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज साइंस के ऊपर था, मैंने इसलिए उठाया इस चीज को, साइंस के ऊपर बार बार सवाल पूछ रहे यूपीएससी, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। और यही वजह, यही वजह स्टूडेंट्स दैट मैं बार बार कहता हूं, पढ़िए कम, कंसेप्ट ज्यादा बनाइए और थॉट प्रोसेस एनहेंस कीजिए। व्हाट आर एडिटोरियल्स, थॉट प्रोसेस ऑफ द दिस क्या कहते हैं, ऑफ द एक्सपर्ट्स, आप एक्सपर्ट खुद हो गए हैं। अच्छा ये बताइए, कल को एक एडिटोरियल आएगा, एडिटोरियल जब भी कोई न्यूज आता है ना, नेक्स्ट डे द एडिटोरियल कम्स अप या नेक्स्ट वीक, ठीक है। अब आगे पांच दिन के अंदर देखिएगा, दो एडिटोरियल्स आने वाले हैं, किसके ऊपर, ऑयल डिप्लोमेसी इंडिया, आप देखिएगा, सऊदी अरब, एक ईरान पे आएगा, आप देखिएगा, ईरान यूएस दोस्ती कर ली है, उसका इंडिया पे इंपैक्ट। तो ये बताइए, क्या आपने नहीं देखा, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आज ये पॉइंट, इंडियाज ऑयल डिप्लोमेसी, क्या दोबारा ये आएगा तो हमें पढ़ना जरूरी है, टेल मी, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। जब आपको मैंने बता दिया आज इंडिया का ऑयल डिप्लोमेसी, इससे बेहतर कहीं नहीं मन मिलेगा आपको, क्योंकि लास्ट 3-4 ईयर्स का एडिटोरियल मुझे याद है, मैंने पुटअप किया, मैं आपको पीडीएफ में पुटअप करके यहां दिखा देता हूं। रैंडमली कहीं से भी उठाया जाना, कहीं भी छोड़ देना न्यूज़पेपर, नहीं, बी रेगुलर, बी ऑन द ट्रैक, टॉपिक्स कम कवर कीजिए एडिटोरियल से, लेकिन टॉपिक्स सुदृढ़ कीजिए, ठीक है, मेक इट स्ट्रॉन्ग, दैट्स इट, ठीक है। तो ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये चीज आप देखिएगा, नेक्स्ट 4 डेज मैं अभी इसे प्रेडिक्ट कर रहा हूं आपको कि क्या क्या आएगा, इंडिया का ऑयल डिप्लोमेसी, ओपेक से हटना, हाउ ओपेक रिलाइंग ओवर ओपेक इज प्रॉब्लमेटिक फॉर इंडिया, ये एक एडिटोरियल जरूर आएगा कल या परसों में, कल नहीं आएगा, मंडे या ट्यूजडे को, ठीक है। उसके बाद आएगा दिस ईरान यूएस रिलेशंस, ठीक है, दिस क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पैक्ट, इंडिया पे इम्पैक्ट, इस पे आएगा। थर्ड इस पे एक और सवाल निकल सकता है, इसके ऊपर पीएम कुसुम स्कीम के ऊपर एक कॉलम आएगा, देखिएगा। और ये देखिए मिनट्स के ऊपर एक एडिटोरियल आएगा, देखिएगा, इस पे आएगा, ठीक है। तो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ठीक है। और एक एडिटोरियल फिर आएगा इसके अलावा, दिस नॉट ओवर नारकोंडम हॉर्नबिल, ये देखिए, जस्ट अ मिनट, H1B वीजा के ऊपर आने वाला एडिटोरियल, मैं बता रहा हूं आपको इस वीक में, अगर अच्छा रहेगा पढ़ेंगे, अगर रिपीट करेगा वही चीज तो क्यों पढ़ेंगे हम लोग। दिस इज द रीजन आई गो फॉर लिमिटेड एडिटोरियल्स इन अ डे, लेकिन रेलिवेंट एडिटोरियल्स, दैट्स इट। तो आज शाम को शायद 3:30 पे सेशन है सीसेट का, जरूर जुड़िएगा, मैं शेयर कर दूंगा सेशन का लिंक, सीसेट का सेशन है, समझ लीजिए सीसेट 2020 का पेपर, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, कम से कम 4 सवाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, 4 questions, वी विल डिस्कसिंग, लाइव डिस्कशन है, लाइव डिस्कशन, आपको भी टाइम मिलेगा, मुझे भी टाइम मिलेगा, देखते हैं कौन जीतेगा इसमें से। 3:30 PM, ठीक है, सीसेट, उसके बाद 6:15 PM MCQs, उसके बाद 7:30 PM MCQs, जुड़िए जरूर से इन सेशंस में। यस, क्लास स्टॉप कर गया भाई, कुछ लोग परेशान है क्लास कब स्टॉप करेगा, चलिए क्लास स्टॉप कर गया, डोंट वरी, ठीक है, दिस जस्ट मोटिवेशन वाज गोइंग ऑन। और ये टेलीग्राम चैनल है unacademy_anurag_singh, जुड़ जाइए इस सेशन के पीडीएफ के लिए। नमस्कार, जय हिंद, गिव योर बेस्ट, कम बैक एट 3:30 अपॉन द अनअकेडमी ऐप, आई विल शेयर द लिंक अपॉन दिस टेलीग्राम चैनल। That's it, students. I hope you enjoyed the session. Enjoy किए तो जरूर share कीजिए और like कीजिए session को. I will end the session now.